नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप पुनासनम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकता। शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को पूछा गया जे प्रभुपाद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है क्या। शिल प्रभुपाद जी ने उत्तर दिए हाँ इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है हर हालत में। लेकिन महाभागवत शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में भगवत सेवा अगर कर पाओ तो संभव है। जब तक भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत भागवत बोलने से क्या समझोगे। भागवत दो किस्म का है, एक तो है ग्रंथ भागवत, दूसरा है ग्रंथ भागवत, एक है वैष्णव सेवक भागवत भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत साक्षात कृष्ण एव ही उत्तर दिया, भक्त भागवत ये भी कृष्ण से अलग नहीं है, पहले भी इसका उत्तर दिया। कोई अगर सोचे तो भगवत तत्व भगवान का तत्व कृष्ण तत्व, तो ये कृष्ण तत्व जो है भगवत तत्व भगवत तत्व, भगवत तत्व का अंदर नाम धाम रूप परिकर वैशिष्ट सारे एक साथ रहता। नित्यम भागवत सेवाया इत्यादि श्लोक का चर्चा किया। जब तक भक्त भागवत का सेवा ना हो जाए तब तक ग्रंथ भागवत का सेवा होना ही मुश्किल है। ग्रंथ भागवत साक्षात कृष्ण है, भक्त भागवत का कृपा हो जाए इसका बारे में प्रह्लाद महाराज जी सप्तम स्कंद में बताए, निष्किंचनानाम नवृणीतो यावत, जब तब निष्किंचन शुद्ध गुरु विष्णु का चरण रेणु हमारा मस्तक पर ना पड़े तब तक बुद्धि शुद्धि होना बहुत मुश्किल है, बुद्धि शुद्धि हो नहीं पाता। सुबह में सुबह प्रातःकालीन अधिवेशन में श्री नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म की कहानी बता रहा था, वहाँ गुरु वैष्णव का चरण रेणु गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट गुरु वैष्णव का पदजल भक्त भक्त अवशेष भक्त पदजल सारे जो है तीन साधन का बल है। जैसे बीमारी हटाने के लिए दवाएं दवा कराना पड़ता, डॉक्टर के पास जाना पड़ता और फिर उसके बाद परहेज भी करे, परहेज नहीं करे तो होगा नहीं। ऐसा ही है भक्त भक्त अवशेष भक्त पद जल जो कुछ भी है भक्त पद रेणु, ये तीन तमाम शास्त्रों में साधन का बल माना गया। साधन का साधन करोगे तो औषधि है, ये साधन का औषधि है दवा है, ये दवा को सेवन करोगे तो जरूर आपका बीमारी हटेगा। नारद जी का पूर्व जन्म का कहानी सुबह में तत्व तो चर्चा हो रहा था, उसमें आप सुने हो सकित स्म भुंजे तदोपास्त किलवेशम, एक बार गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट पाने का बाद हमारा जन्म जन्म का जितना सारे कलमश सारे सफा हो गया। भगवत नाम अभी उच्चारण भी किया जब शुरुआत में,
नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम। अब हम बोला नाम संकीर्तनम यस्व सर्व पाप प्रणाशनम। आप सोचोगे ठीक है हम पाप करते रहेंगे और कृष्ण नाम लेते रहेंगे, ऐसा नहीं। भगवान का नाम पाप नाश के लिए तो काफी है, लेकिन भगवान का नाम प्रेम प्राप्ति के लिए उच्चारण उचित है। भगवान का नाम अगर पाप हटाने के लिए अपराध जो कुछ भी है ये ठीक नहीं, ये तो ऐसे ही जाता है। लेकिन भगवान का नाम भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन है। चैतन्य महाप्रभु बोले ये आनुषंगिक फल, आनुषंग बने ये स्वाभाविक हो जाता है। भगवान नाम के द्वारा सारे पाप ताप चले जाए सब तो स्वाभाविक है, लेकिन वास्तव भगवान का नाम भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है चार पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है, इसका पीछे तमाम दुनिया भाग रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है, इसका पीछे तमाम दुनिया भाग रहा है। धर्मो अर्थो, धर्म कौन सी धर्म बोले, दुनिया का आदमी भागवत धर्म तो जानते नहीं, भागवत धर्म का व्याख्या हमने किए हैं। ओ मानव धर्मो, देहो धर्मो, मनोधर्मो, समाज धर्मो, ये धर्म औपाधिक धर्म, जो धर्मो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन भागवत धर्मो इसका कोई कंसेप्शन है ही नहीं किसी का दिल। भागवत धर्म आत्मा का धर्म है, नित्य धर्म है, इसका बारे में किसी को पता नहीं। गोकर्ण जी महाराज जी पिताजी को बताया, इसका व्याख्या हो गया, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। उपाधिक धर्म जो इतना सारे है, ये उपाधिक धर्मों सब त्याग करो, ये कोई काम का नहीं है। आपका शरीर जब तक रहे तब एक थोड़ा बहुत काम दे, देहो धर्म, मनो धर्म, समाज धर्म, वेदो धर्म, जो कुछ भी है, लेकिन शरीर छूट जाए तो उसका बाद कोई काम पे नहीं है। इससे बोला धर्मम भजस्व अर्थात भगवत धर्मम भजस्व त्वजो लोक धर्माण, उपाधिक धर्म सब त्याग कर दो, उपाधिक धर्म कोई काम का नहीं। लेकिन हैरान की बात है, समाज की जितना सारे आदमी है मैक्सिमम वो सब उपाधिक धर्मों का बारे में, उपाधिक धर्म, धर्मो अर्थो काम मोक्षो, अर्थात हम धर्म जाजन करेंगे उसका बदले में हमको ये चाहिए। धर्म जाजन करें, दान पुण्य करें, ये करे वो करे, पूजा करे, कुछ भी करे, उसका बदले में रिटर्न चाहिए। आई नीड रिटर्न, एक्सचेंज। तो ये जो धर्मो अर्थो काम मोक्षो, पितामह विश्व एक दिन बोला, पितामह विश्व को प्रश्न किएगा, सारे तमाम दुनिया किसका गुलामी कर रहे हैं। पितामह विश्व बोले देखो तमाम दुनिया जो है ये धर्म अर्थ काम मुख्य जो है इसका गुलामी कर रहे हैं, तमाम दुनिया इसका गुलामी कर रहा है। लेकिन अर्थो मतलब आदमी सोचे कि सब समय पैसा, ऐसा नहीं, माने इसका बदले क्या मिले। लेकिन ये जो अर्थो है ये किसी का गुलामी नहीं करता, सब इसका पीछे ही दौड़ रहा है। तो ये चारों किस्म का जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वर्तमान समाज का जो विकृत अवस्था हो चुका
इसमें धर्मो अर्थ और काम, धर्मो मुश्किल से जो करे उसका बाद में रिटर्न, धर्मो अर्थ उसके बाद काम एंजॉयमेंट, धर्मो करे उसका बदले में थोड़ा अर्थ मिले और उसको यूज करके एंजॉयमेंट करो। और मोक्षो बोल के कोई चीज ये लोग सब भूल गया। जब सत्य युग था, सत्य तेता दापर कली, हर युग में धर्म अर्थ कामों को चारे था, चारों चार था। लेकिन सत्य युग में, तेता युग में, दापर युग में धर्मो अर्थो और उसके बाद काम मोक्षो, मोक्षो भी रहता था। अब आज जो है सिचुएशन उसमें मोक्षो जो है उसका बारे में भी किसी को पता नहीं। मोक्षो का मतलब आत्यांतिक दुख का निवृत्ति, इसका बारे में किसी को पता नहीं। आजकल के जब सब भूल गया। और जब सत्य युग में हिरण्यकशिपु आदि देखोगे, प्रहलाद महाराज जी को धर्म अर्थ काम मोक्षो शिक्षा करने के लिए भेजा गया। गुरुकुल में किस लिए भेजा गया? धर्म अर्थ काम मोक्षो इसी के बारे में शिक्षा करो। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा असुर है, हैं, ये इस जमाने भी धर्म अर्थ का बाद काम भोग करने का जो प्रोसीजियर था, तब की जमाने में जो प्रोसीजियर था, जो हम काम को भोग करेंगे धर्म अर्थ काम, ये भी अत्यंत उत्कृष्ट ऊंचा। आजकल के जमाने में जो धर्मो अर्थो का बाद जो काम भोगने का जो तरीका है, इतना नीचा है, गंदा है, इसका बारे में सोचो तो बहुत दुख आता है, बहुत मुश्किल। सुबह में चर्चा किया नारद जी महाराज पूर्व जन्म में अपना साधु संतों का कृपा मिला, उच्छिष्ट अनुलेपन आदि साधन का जो बल है सब मिला। और इसके बाद चौमासा मनाने का बाद संतों का झंडू, संतों का जो दल है सब चले गए। और 5 साल का जो उम्र का जो बच्चा है, 4-5 साल का, माताजी सर्प दंशन के द्वारा शरीर छोड़ दी, माता का शरीर छूट गई। उसके बाद नारद जी बच्चा जो है वो चलना शुरू कर दिया, मानो कि सन्यासी जैसा ही है चला। बाद में बहुत रास्ता चलते चलते एक सरोवर का किनारे पहुंच गया, भूखे प्यासे तो थे ही, तो पानी पीकर नहा धोहा करके पीपल का पेड़ का नीचे विश्राम किए। तो वहाँ तक चर्चा हुआ था, धयतोस चरणाम भजम भावो निर्जित चेतसा ओत्कंठाश्रु कलाक्षस्य हृदयासित में सनई हरि। हमारा हृदय इतना पुलकित हो गया था, आंखें मुदकर पीपल वृक्ष का नीचे बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि कैसा सुंदर था ये संत महात्मा लोग। 4 महीना तक वहाँ था, संकीर्तन सुनने का अवसर मिला, हरि कथा संकीर्तन प्रसाद आदि मिला। अब संत महात्मा सब चले गए और वो लोग जो उपदेश करके गए, संत महात्मा लोग जो उपदेश करके गए भगवत वाणी, वो मेरा हृदय में गुंजित होने लगा। होते होते हमारा हृदय को पूरा आवेश कर लिया, आंखों में आंसू आ गया, शरीर रोमांच हो गया, अचानक आंखों में आंसू आ गया, अचानक भाव निर्जित चेतसा, हमारा जो भाव ऐसा अवस्था में पहुंचे, हमको अवसन्न कर दिया, हमारा को बाहर का कोई चिंता नहीं रहा। उसी अवस्था में अचानक विद्युत जैसे चमके, आसमान में जो विद्युत चमके ऐसा मापिक, अचानक झट से हृदय में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ठाकुर जी प्रकट हुआ और झट से वैनिश हो गया।
वो बच्चा घबरा गया, ये ठाकुर जी के इतना सुंदर रूप को देखा लेकिन गया कहां। जब आंखें खोला तो देखा किसी जगह कुछ नहीं है, बहुत रोया, ठाकुर जी फिर दर्शन दे दो। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दर्शन देके गायब हो गया। अब कोई कहे बद्ध अवस्था में तो ठाकुर जी का दर्शन होता नहीं, कैसे हुआ? इसका उत्तर दिया, तुमको लोभ दिखाने के लिए, तुमको थोड़ा तुम्हारा जो तीव्र उत्कंठा, ये उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, जब तक किसी वस्तु प्राप्ति करने के लिए आपके हृदय में तीव्र उत्कंठा नहीं पैदा हो तो वस्तु किसी वस्तु प्राप्ति करने के लिए अगर उत्कंठा नहीं है, जैसे गीता में भगवत धायतो विषाण पुंसंग संगस्ते सुपजायते संजात संजायते काम काम कामत क्रोध अभिजायते इत्यादि श्लोक बखा के धायतो, जिस वस्तु तुम्हारा दिल में बिल्कुल हमको यही चाहिए ऐसा कोई निश्चय हो जाए, किसी का दिल में अगर निश्चय हो जाए कि हमको यही वस्तु चाहिए, जिस वस्तु का पीछे आपका लगन लग जाए वो वस्तु का ही ध्यान करोगे। जिस वस्तु का लगन लग जाए कि महाराज हमको यही वस्तु चाहिए, देखना किसी वस्तु का लिए आपका लोभ हो जाए तो दिन भर यही चिंता करके रहना। और अच्छा चीज है कैसे लगन, उसका उत्तर दिया है नारद जी युधिष्ठिर महाराज जी को, भले महाराज ये जो शिशुपाल आदि है तो बदमाश है, कंस जो है तो इसको ठाकुर जी का वो जो इसका कैसे सिद्धि हुआ, भले ये जो वास्तव सिद्धि, ये जो हमारा भजन का द्वारा जो सिद्धि ऐसा नहीं है। उत्तर दिया गया जे शत्रुता के द्वारा आपका साथ अगर किसी का दुश्मनी हो जाए, ध्यान से विचार करना, किसी का साथ अगर किसी का दुश्मनी हो जाए तो कंटिन्यूअसली ही कैन थिंक अबाउट इट हिम, वो ये व्यक्ति के बारे में से कैसे उसका बदन, वो हमको ऐसा किया हम देख लेंगे, तो इसका उत्तर नारद जी देंगे। और स्वाभाविक रूप में जिस वस्तु का ऊपर आपका आकर्षण है, लोभ है, किसी व्यक्ति और वस्तु प्रेम हुआ किसी का साथ किसी का, तो हर वक्त उसी का ही चिंता रहते हैं हृदय में, और उसी का प्राप्ति करने के लिए हर वक्त चेष्टा हृदय में नोइंगली अननोइंगली जानते अजानते में चलते रहते हैं, कैसे उस वस्तु का प्राप्त करें। ध्यायतो विषयान, ध्यायतो मतलब ध्यान करना, तो बेकार की वस्तु है, ध्यान तो करना चाहिए ठाकुर जी का नित्य वस्तु। अगर अनित्य वस्तु का ध्यान करते रहोगे तो अनित्य वस्तु का ध्यान करने से क्या होगा, आपका भी फल भयंकर मिलेगा। अनित्य वस्तु का ध्यान कैसा, अनित्य वस्तु का ध्यान करो, जंग जंग बाओपी स्वर्णम भावम त्यजति अंते कलेवरम, इत्यादि श्लोक गीता में पढ़ा, जो चिंता करते 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 अट्रैक्शन आकर्षण लेके मरोगे और जन्म दूसरा जन्म में वही भाव प्राप्त होगा, कोई फायदा नहीं। एक बच्चा का कहानी बताया हम, छोटे से बच्चा चार साल का, तीन चार साल, और पिता माता भूटान का एक कुत्ता लाके दिए, कुत्ता भूटान का कुत्ता, भूटानी कुत्ता बच्चा, और बच्चा वो कुत्ता को लेके मस्त है, हर वक्त वो चिंता प्यार करता है, लेके सोता है, खाने टाइम में बैठता है, उठते बैठते जाते सब समय, पढ़े भी वो बैठ के कुत्ता बैठे रहे, ऐसा करते करते कुत्ता का लगन उसका जिंदगी में, कुत्ता ही वो कई दोस्त नहीं है। हम लोगों का जमाने में क्या था, सब खेल कूद करने के लिए मैदान में जाते इधर उधर, आजकल के जमाने तो बच्चा को निकलने नहीं, फ्लैट है
दरवाजा बंद, अब किसका संग करे, ना तो वो तो बोका बॉक्स जो है, इडियट बॉक्स टीवी, इसका ही संग करे, बोका बॉक्स, इसका नाम है बोका बॉक्स, टू मेक फूल ऑफ यू, आपको बोका बना ले कि सबसे बड़ा चीज है, घंटों भर बैठे रहो और ना जाने कैसे चला गया तमाम आयु हरण करने के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। आप तो और ज्यादा एडवांस हो गया, इधर उधर टिपते रहते हैं हाथ में और अटेंशन चले गए उधर, ठाकुर जी कहाँ है। तो ऐसा ये कुत्ता जो है, बच्चा है कि किंडरगार्टन स्कूल तो नहीं है, किंडरगार्टन में भर्ती हुआ और बच्चा को लेने गया उसका मेड सर्वेंट, और इतने में कुत्ता का कोई तबीयत खराब हुआ था, कुत्ता मर गया और मेड सर्वेंट वो स्कूल में जाके लेने के लिए गया गाड़ी करके, और बोले तुम्हारा टॉमी गुजर गया। और बच्चा को मालूम नहीं, बच्चा गुजर गया इसका माने मौत का साथ, मौत बोल के जो चीज है इसका साथ आपका भी प्रैक्टिकल परिचय नहीं है, किसी का किसका है बोलो। मौत बोल के जो एक चीज है इसका साथ आपका किसी का परिचय है, डायरेक्ट परिचय नहीं है, वो जानते हैं मरेंगे, कभी मरेंगे, लेकिन जिसका दिल में मौत बोल के चीज का साथ वास्तव परिचय हो जाए उसका पागलपंती खत्म हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाए, शांत हो जाए, पर मरना तो है ही है। जैसे नौचिकेता का नाम उठाया था, नौचिकेता औद्दालिक ऋषि का पुत्र था, बड़ा यज्ञ का आयोजन किए, यज्ञों में पिताजी जो गौ माता का दान कर रहे हैं, लेकिन वो गौ माता बेकार, सूखा रूखा, कोई कुछ नहीं है, दूध देने वाली नहीं है, तो लड़का का बड़ा दुख हुआ, पिताजी तो दान कर रहे हैं ब्राह्मण वैष्णव को, और दान भी करे तो ऐसा दान करे कि कैसा दान कर रहे, अच्छा दान करे, तो ये देख के बड़ा दुख हुआ। अब बार बार पिताजी को पूछते रहे, पिताजी हमको किसको दान करोगे, ए जा, फिर पूछा पिताजी हमको किसको दान करोगे, चार पांच बार 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 पूछा, तो पिताजी गुस्से में आकर बोल दिया, तेरे को जमराज का पास दान करेंगे, जा जमघर में दान करेंगे, बोल दिया। बच्चा तो है ही है, बच्चा लोग बोला ठीक है, पिताजी बोला मेरे को जमघर में दान कर देंगे, ठीक है जमघर में दान कर। पिता का जो वचन है उसको सच्चा बनाने के लिए वो लड़का बच्चा जो है जमराज का घर चला गया, जमराज का जो प्रासाद है वहां चला गया, जमद्वार मतलब जम का जो घर है वहां, जमालय बोलने से आदमी समझता है जम का आलय, वो तो अलग व्यवस्था है पानिशमेंट का, वो अलग सा कमरा व्यवस्था है, लेकिन जमराज जी का खास कमरा जो बिल्डिंग है जहां प्रासाद है वहां गया। और जमराज जी 3 दिन से नहीं रहा वहां, 3 दिन बाहर गया था, आया तो देखे एक बच्चा लड़का सुंदर खड़ा हुआ है, बोले आप मेरा अतिथि हो, 3 दिन से आप बाहर था, आपका कोई सत्कार सेवा सत्कार नहीं हुआ तो हमारा बड़ा अपराध हुआ, आपको हम 3 बार दे देंगे। 3 बार दे दिया, 3 बार जब दिया, 3 बार एक एक करके बोले क्या वर लोगे, पहला बार है मेरा पिताजी मेरा ऊपर रुट गया ना, गुस्सा हो गया, वो उसको समाधान कर दो तो कोई गुस्सा नहीं, वो ठीक है चलो। दूसरा है अग्नि तत्व का बारे में बता रही, इतना छोटा बच्चा ले अग्नि तत्व क्या करोगे, ना अग्नि तत्व बताओ हमको, अग्नि तत्व तू क्या करे, बोले ये अग्नि जो अग्नि रहस्य, अग्नि तत्व का रहस्य हो ये तमाम अमृत कराने वाला, पूरा दुनिया में रहस्य है, सबका हृदय में शरीर का अंदर में अग्नि है किसी को पता नहीं, सबका हृदय में अग्नि है किसी को पता नहीं, सब चुपचाप सोते रहे खाते रहे हैं। वैश्यानर अग्नि के द्वारा मैं जो भोजन करते हो उसको पचाता हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल गीता में, वैश्यानर अग्नि। तो अग्नि तत्व के बारे में बताओ, अग्नि तत्व छोड़ के दूसरा कुछ ले ले, नहीं 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 हमको अग्नि तत्व ही चाहिए, अग्नि तत्व के द्वारा अमृत मिलता है, वास्तव सीक्रेट बड़ा गुप्त रहस्य, इसी को ही बताना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती किया, ठीक है चलो हम अग्नि तत्व आपको बता दें, अग्नि का रहस्य।
और नचिकेता मैं बड़ा प्रसन्न हूँ तुम्हारा ऊपर, तो जब यज्ञ होगा जाग यज्ञ होगा तुम्हारा नाम पे एक अग्नि का स्थापन होगा। अग्नि बहुत सारे नाम है, कराली धूम्र सेत बहुत सारे नाम है, काली कराली जो यज्ञ है ना सात किस्म का, और नचिकेता बोल के भी अग्नि होगा, जा तुम्हारा नाम पे अग्नि का हम आशीर्वाद किया। फिर बोला और क्या बोर चाहिए, बोले हमको आत्म तत्व का बारे में। अरे राम राम, अरे काल का बच्चा है आत्मतत्व, आत्मतत्व के बारे में मत पूछो, ये तो रहस्य रह गया। मणि ऋषि जितना सारे दिव्य सूरी देवता लोग सारे इस बात को मत पूछो, इसका बदले में तुम जितना सारे संपत्ति मांगोगे पूरा तमाम जगत का ऊपर राज मांगोगे, संपत्ति धन संपत्ति जो कुछ भी मांगोगे पूरा दुनिया का सारे दे देंगे तुमको, लेकिन ये बात मत पूछना। तो नचिकेता बोले ना हमको वही चाहिए, वही चाहिए, देने वाला तो आप ही हो क्योंकि आप महाभागवत हो वैष्णव, द्वादश महाजनों में उनका नाम आता है द्वादश महाजनों, तो देने वाला आप ही हो, किसका पास हम जाए। और नाना तुम्हें ऐसा काम को बहुत सारे चीज ले लो। तो नचिकेता बोले महाराज दुनिया में जो वस्तु हम आपसे लेंगे सब तो नाशवान है, ऐसा कोई देखा हो कोई नाशवान नहीं है, ऐसा कोई वस्तु जगत में है कि नाशवान नहीं है, तो ये नाशवान वस्तु लेके हम क्या करें, आज है तो काल तो नहीं रहेगा, कितना सारे राजा महाराजा ये पृथ्वी का ऊपर राज किया, आज वो लोगों का नाम निशाना मिट गया और किसी का नाम निशाना रह गया, कितना राजा एक दूसरे से लड़ पड़ा एकदम तरवाल के द्वारा एक दूसरे को काट दिया, कितना लड़ाई हुआ जबरदस्त, और पृथ्वी मैया ने हंसी बोले जमीन किसका है और कौन लड़ाई कर रहे, दोनों राजा बोले ये जमीन हमारा है, ये देश हमारा, हम कब्जा कर लिया, ये बोला नहीं हमारा है, एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा, कितना इतिहास देखो तो यही तो नजर पड़ेगा, कभी अंग्रेज लोग आया कोई पुर्तगाल आया, ये तो आते रहे भारत या ऐसे ही चलते रहे, तो कब्जा कर लिया, लेकिन अंतिम में क्या है कि जमीन का एक टुकड़ा लेके कोई हजम करके कुछ गया, पृथ्वी मैया ने हासा जमीन तो हमारा है हमारा ही रहेगा, और ये लोग आपस में लड़ते रहे खून खराबा है तो किसका नहीं, कुछ दिन के लिए बोलोगे ये इस इतना दिन के लिए अमुक महाराज राजत्व किया उसका परिधि पे, उसका उसका जो परिधि है राज्य का ये राज्य उसका परिधि में था, यही तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो विषय का ऊपर जितना ध्यान होता है जिस विषय का ऊपर उसी जिस विषय के ऊपर उसका अटेंशन रहता है लगन रहता है उसी का ध्यान हो जाता, चलते फिरते हर वक्त उस वस्तु का, और वो बच्चा है वो बच्चा का साथ मौत बोल के जो चीज है उसका कोई परिचय नहीं था, वो घर में आ के देखा एक बोरा का ऊपर एक कुत्ता का बच्चा वो सोया हुआ है, उसको जगाया ए उठ उठ टमी उठ, उठ नहीं रहा, इतना प्रयास प्रचेष्टा का बाद भी कुछ नहीं हो रहा, और बाद में देखा उसको लेके बोरा करके उसको नदी में लेके फेंक दिया, और बच्चा का तो बच्चा ही मासूम बच्चा, अब उसका जो दोस्त है टॉमी उसे दिखाई नहीं पड़ता, वो खाना पीना छोड़ दिया सब कुछ ऑलमोस्ट मैड हो गया, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया, बोला बच्चा का शॉट लग गया, वो जो कुत्ता गया उसका ऊपर उसका प्रेम वो नहीं है तो बच्चा पागल जैसा हो गया। तो इसका लिए कौन जिम्मेवारी है, पिता माता जिम्मेवारी है बच्चा जिम्मेवारी कौन है, इसके लिए अज्ञान, पिता माता भी अज्ञान है, पिता माता भी अज्ञान में है, जिसलिए बच्चा का अटेंशन कुत्ता में घुमा दिया, और पहले का माता पिता तो ऐसा होता देवता जैसा, ए जा नहा धोने के बाद पानी पी रहा है ठाकुर जी को पानी दे गया, आजकल का माता पिता तो कुछ बोलता नहीं, बोलता कुछ जैसा पिता माता वैसा बच्चा, कुछ नहीं होने वाला, समाज बिगड़ रहा है, एक संत महात्मा का वाणी कहां तक पहुंचेगा, डीवीडी इंटरनेट सबके द्वारा प्रयास प्रचेषा सब,
लेकिन कहां तक चले? अगर हर संसार में भगवत भक्ति का विषय उपस्थित ना हो, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी को एक बड़ा भक्त लोग बोला, प्रभुपाद कितना आनंद की बात है, इतने थोड़ी सी समय में 64 गौड़ीय मठ, 64 मठ सारा दुनिया में हो गया। प्रभुपाद जी बड़ा दुख के साथ बोला, अब क्या कह रहे हो, 64 गौड़ीय मठ हो गया तब की जमाने में, आज तो बहुत है, पहले 64 मठ हो गया आपका इतने छोटे से समय में प्रचार के द्वारा। प्रभुपाद बोला, आप क्या कह रहे हो, हम चाहता है कि हर व्यक्ति के हृदय में एक गौड़ीय मठ स्थापन करे, समझा मेरा बात, हर व्यक्ति के हृदय में अगर गौड़ीय मठ ना हो, हर व्यक्ति के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह हम स्थापित कर नहीं कर पाए तो हम कैसा प्रचार किया, कैसा हरिकथा हम बोला, जहां जाए तहां आदमी याद रखेगा वो महाराज आया था ऐसा बोला था, धक्का लगे कुछ एक तो उसमें एक तो इम्प्रेशन रह जाए, प्रचारक हो गए साधु वो है जहां भी जाए, जहां भी जाए वहां एक तो इम्प्रेशन छोड़ के स्टैंप लगा के आएगा, वो महात्मा आया था उसका बारे में भूल नहीं पाओगे, सारे जिंदगी भर याद रहेगा। रिलेशन संबंध अगर ठाकुर जी का साथ गुरु वैष्णव का साथ हो जाए तो सोचो कि इसी जन्म में आपका बेरा पार हो जाएगा। संबंध बनाना है गुरु वैष्णव भगवान का साथ, धाम नाम परिकर भगवान गुरु वैष्णव का साथ, किसी भी हालत से संबंध अगर गुरु वैष्णव से बन गया, शुद्ध गुरु वैष्णव से बन गया तो इसी जन्म में आपका बेरा पार हो जाएगा भजन करते करते। अगर नहीं भी हुआ तो अगले जन्म में आपको चूल पकड़ के पार कर देंगे, संतों के जुमा होता है, इसी नियम में किसी भी हालत से उल्टा हो गया, हो नहीं पाया तो वो महात्मा उसको याद रखा, उसको नेक्स्ट अगले जन्म में उसको पार करेगा, ऐसा ही प्रतिज्ञा है ठाकुर जी का। अर्जुन कब अर्जुन को बोला, जय अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, गीता में बोला ना, प्रतिजानी ही में पार्थ, प्रतिज्ञा करके बोलो दुनिया को, अरे ठाकुर तुम बोलो ना प्रतिज्ञा करके, अर्जुन को क्यों कह रहे हो, ऐसा रहस्य आएगा ना, ठाकुर जी बहुत बार प्रतिज्ञा किया, ठाकुर जी बोल देखो कभी कभी ऐसा होता है हम प्रतिज्ञा करते हैं हमारा प्रतिज्ञा टूट जाता है, लेकिन भक्तों का प्रतिज्ञा जो है टूटने वाला नहीं, जैसे पितामह विश्व का पास प्रतिज्ञा किया था हम अस्त्र पकड़ेंगे नहीं, लेकिन पितामह बोलते हम भी अगर बाप का बेटा है तुमको अस्त्र पकड़ा दिया अस्त्र, तो इसलिए बोला अर्जुन को, बोला अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो हमारा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये जो नारद जी बच्चा जो है वो बच्चा इसका ध्यान इतना जबरदस्त हो गया, धायतो चरणाम्बुजम भाव निर्जित चेतसा उत्कंठाश्रु कलाक्ष हृदासित में सनई हरी, धीरे धीरे मेरा हृदय में एक पल भर कली ठाकुर जी का दर्शन गायब हो गया। ये उत्कंठा जगाने के लिए तुम्हारा अंदर में और भी चाहत पैदा हो जाए, हमको चाहिए, और प्रेम के द्वारा हमारा आंसू बहते चले और मैं बहुत रोया लेकिन ठाकुर जी का दोबारा दर्शन नहीं मिला। ऊपर से आसमान से एक ठो वाणी का उच्चारण हुआ, आसमान से ऊपर से ठाकुर जी का ही है, ठाकुर जी बोले अविपक्क कसायानाम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम, अविपक्क कसायाम सुबह में व्याख्या किया, जिसका जैसे कोई चावल वाल पका रहे हो जब तक नरम ना हो जाए तो कच्चा रहे तो अब तो मुश्किल है खाना, अभिपक्व कसाय मतलब भजन के द्वारा अपना जो भजन का पद्धति, भजन के द्वारा अगर हृदय में हृदय का जितना सारे अनर्थ है पूरा हट गया और काम का जरा सा भी कलमश
थोड़ा दाग, थोड़ा जो काई है, काई बोलते हो ना, एक पात्र में चाय बनाया पिछले एक साल से, देखा चाय का दुकान में काला काला, वो किसी भी हालत साफा नहीं होता, तो ऐसा काई अर्थात दाग रह गया, वो दाग भी नाम और निशाना मिटना चाहिए, तब तक ठाकुर जी नहीं आएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, चेतो दर्पण चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, जब चित्तो चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए, चित्तो का जो दर्पण है, अभी इस विषय में सृष्टि का रहस्य सब आएगा, दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद तब हम बताएंगे, इस विषय में स्पष्ट करेंगे। तो चित्तो जो है इसका मार्जन किस तरीका से होगा, चित्तो का मार्जन तो वास्तव संकीर्तन से होगा, चाहे 1000 साल मठ में रहो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ सुकृति होगा। जब तक वास्तव साधु संतों का मुखारविंद से आपको वाणी सुनने को नहीं मिलेगा, आपका हृदय साफा नहीं होगा, तब कुछ भी करो सुकृति, आज यदि अपराध करो तो और उल्टा फल, मठ में अगर अपराध करो कुछ संतों का हिंसा किया कुछ किया तो और उल्टा फल। तो चेतो दर्पण का मतलब है चित्त का साफ, चित्त को मांजन करो। कैसे मांजन करे, बोले ये मांजन का प्रोसीजर है संकीर्तन के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा साफा करो, इसके द्वारा हृदय साफा हो जाए। और अभिपक्क कसाया नाम, जिसका हृदय हृदय का जो भाव है अभी पक्का नहीं हुआ, हृदय का जो भाव है आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ताप अथो भजन क्रिया अथो अनर्थम निवृत्ति स्वात निष्ठा रुचि इत्यादि सब है प्रोसीड्योर, हम बताएंगे ये पद्धति है आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, उसका बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया शुरू हो तो अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया शुरू ही नहीं हुआ तुम्हारा अनर्थ कहाँ जाएगा। तो मतलब हमको हरिनाम दे दो महाराज, हमको दीक्षा दे दो, क्या हम बोका है क्या तुमको हरिनाम दे दे है, कुछ हुआ ही नहीं। आदो श्रद्धा होगा, आदो श्रद्धा का मतलब क्या है, आदो श्रद्धा 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 शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, एकदम 100% विश्वास जो कृष्ण भजन करो या तो आप राम का भजन करो, ठीक है राम का भजन, कृष्ण नाम बोला कि कृष्ण का अंदर सब है, विष्णु तत्व का ऊपर विश्वास 100%, जो हमारा ठाकुर जी का विष्णु तत्व का भजन करे, हमारा तो इस हमारा तो गौड़ीय दर्शन में यही बोला, वृंदावन में इसलिए को लड़ाई होता है, आप लोग कृष्ण भजन बोल रहे हो कि राम भजन में होगा नहीं, बोला महाराज है राम कृष्ण इसलिए बोला कि क्यों कृष्ण स्वयं अवतारी है, कृष्ण साक्षात अवतारी है, अवतारी कृष्णों का अंदर सारे अवतार है, कृष्ण बोलो तो राम ऑटोमेटिक आ जाए, नृसिंह बड़ा हो महाविष्णु सारे राम कृष्ण का अंदर है, इसमें तो कोई दोष नहीं है, तो इसमें को क्या दोष है बोलो, कृष्ण भजन के बारे में जो बताया वो ठीक है बताए। तो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा के बारे में व्याख्या क्या, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकृपंकिता, कृष्ण भजन से ही हमारा दुनिया का सारे समस्या समाधान है, हमारा कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाएगा, जैसे पिता का ड्यूटी है पुत्र का पालन करना, स्वामी का ड्यूटी है स्त्री का पालन करना, है ना, ड्यूटी तो है सारे तमाम दुनिया में, किसका ड्यूटी नहीं है, छोटा मोटा जो भी है सबका कुछ अपना कर्तव्य है, ये कर्तव्यों का बारे में बहुत सारे सुंदर हरि कथा है, सुंदर है ये रहेगा ही, लेकिन अगर हरि भजन करो कृष्ण भजन करो इसके द्वारा आपका कोई दोष नहीं लगेगा। अब बोला हम संसार किया था लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सन्यासी बन के चला गया, वास्तव है संसार चला नहीं सकता, इसीलिए वो चोर है बदमाश वो साधु बन के चला गया, उसका लिए हमको हम कुछ नहीं बोले, वास्तव प्रेम आ गया तब तो श्रद्धा है पक्का विश्वास 100%, जे कृष्ण भक्ति करने से भजन करने से हमारा सारे समस्या समाधान, सारे समस्या का एक ही समाधान है। तो
इसका बारे में हम कभी बताएंगे, भजन का ये सब रहस्य है। तो जन्म का साथ साथ ही तुम्हारा को ड्यूटी रह जाता है, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, भूत ऋण, चारों किस्म का ऋण। जब धरती पे जन्म लिया उसी समय आपका ऊपर चारों ऋण कर्जा आपका ऊपर चढ़ गया। अब ये चारों जो कर्जा है चुकाए बिना कहां भागो गया, चार कर्जा है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण। ऋषि ऋण कैसे जाएगा? बोले ऋषि ऋण मतलब हमारा जो ये भारत भूमि है, पवित्र भूमि, इसमें मुनि ऋषियों ने कितना साधन किया, भजन किया और अमृत छोड़ के गया, सारे पुराण उपनिषद वेदांत, तो कितना सारे, ऐसा सौभाग्य है भारतवासी, ऐसा सौभाग्य है जे करोड़ों जन्मों घूमते घूमते भारत भूमि में उसका आविर्भाव हुआ, जहां राम जी, कृष्ण जी, बराह निश्चय सारे अवतार, बुद्ध सारे अवतार का आविर्भाव इसी में हुआ। कितना सौभाग्य की बात है, इस भूमि में अमृत है, ये अमृत है, ये अमृत पीने के लिए ये भूमि सबसे ऊंचा है, सबसे बढ़िया है। और इस भूमि में ऋषियों ने वो जो शास्त्रों का वाणी, अमृत वाणी छोड़ के गए, और इसी वाणी को आप सुनो और सुनने का बात आप अपना जीवन में अपनाओ, ट्राई टू एक्सेप्ट दोज एडवाइजेस, वो सब उपदेश है, वो जो वाणी है अपना जीवन में धारण करो और दूसरे को भी उपदेश करो। महाप्रभु बोला ना, तुम भी करो, हमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, हम ये आज्ञा रहा हमारा, तुम पहले आचरण करो, प्रतिष्ठित हो जाओ, उसके बाद दूसरे को भी बताओ। हमार आज्ञा गुरु होइया, हम जो आज्ञा दिया पहले तुम गुरुत्व लाभ करो, समझा मेरा। इस बात का ये माने नहीं है महाप्रभु आदेश किया तो हम गुरु हो गया, ऐसा नहीं, फालतू व्याख्या, कौन किया ऐसा व्याख्या, हमारा आज्ञा गुरु हद महाप्रभु आज्ञा दिया हम गुरु हो गया, ऐसा नहीं। महाप्रभु बोला हमार आज्ञा गुरु होइया, लोगु होइया नहीं, हमारा आज्ञा रहा पहले तुम गुरु हो जाओ, तुम्हारा अंदर में गुरु वैष्णव का भरपूर कृपा हो जाए, उसके बाद तुम दूसरे को तारण कर, तीर नाम तरे। तो जो खोद पार हो गया ये भवसागर, और दूसरे को बोले आ जा हम पार कर देंगे, जो खोद ही पार नहीं हुआ और डिप मरने का चक्कर में है, हैं, वो खोद तैरना नहीं जानता, देखा ऐसा हालत, ऐसा भी हुआ तैरना नहीं जानता, वो दूसरे को बचाने गया और दूसरे को बचाने गया वो उसको पकड़ लिया, बस दोनों ही गया पानी का अंदर गया ना, ऐसा कितना हालत है। पहले तैरना सीखो उसके बाद दूसरे को बचाने का कोशिश करोगे, खुद तैरना जाए तो दूसरे को बचाने लगेंगे, मर जाओगे। तो ऋषि ऋण का परिषद कैसे हो सकता, ऋषि ऋण का परिषद ऐसे हो सकता कि ऋषियों का वाणी आप जीवन में धारण करो और दूसरे को भी उपदेश करो, तो ऋषि ऋण गया। पितृ ऋण कैसे जाएगा, अगर तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु आश्रम में रहते हुए पालन करो और जिंदगी भर ऐसे ही ब्रह्मचर्य पालन करो, या तो सन्यास बाद में ले लो तुम्हारा भाई, तब तो कोई ऋण नहीं है। अगर गुरु जी का उधर गुरु का आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन के बाद फिर गृहस्थी बांधने के लिए, शादी करने के लिए आओ, ये भी विधान है, ये भी विधान है, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थी भी है, वानप्रस्थ भी है, सन्यास भी है, चारों आश्रम है ना, चार वर्ण और चार आश्रम। चार वर्ण कौन कौन है जानते हो, शूद्रो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रो, चार आचार आश्रम है। चार वर्णों और आश्रम का जो तरीका है, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह, ये जो बात है इट इज ओनली पॉसिबल इन इंडियन, भारत में ही संभव है, क्योंकि ये भारत जो है ये पुण्य भूमि है, कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये भारत है,
भारत छोड़ के और कोई भी देश में ये वर्णों और आश्रम का सेग्रीगेशन वो नहीं है। आजकल तो वो भी टूटना शुरू कर दिया, पूरा बेकार हो गया। कोई कोई जात पात कोई विचार कुछ नहीं। हम ये नहीं बोलता जात पात का विचार के द्वारा आप हृदय में घृणा का पोषण करो, ऐसा नहीं। जात पात का जो विचार है इसका मतलब ये नहीं कि घृणा का पैदा हो जाए, ये नहीं, ये गलत बात है। ये चार का अपना अपना सेवा का डिवीजन है। अब सोचो कि इसका बाबा पर बाबा फिर वो लोग शुद्ध शास्त्रों का विचार किया और उसका जो पोता का पोता वो क्या चावड़ा का कुत वो जो है जूता का दुकान खोल दिया। वो ब्राह्मण है उसका पूरा खानदान वो कैसा है, चमार का काम है। तो आजकल कोई विचार नहीं रहा, किसी किसी ने किसी का साथ शादी कर लिया। और वर्ण शंकर गीता में भगवान बोला वर्ण शंकर बड़ा डेंजरस चीज है। ये हमारा कोई छोटा बड़ा विचार नहीं है, ये तो हम समाज को शुद्धि बनाने के लिए बोल रहे हैं। ये जो छोटा बड़ा विचार हमारे हृदय में नहीं है सब ठीक है, लेकिन गुणों कर्म विभाग है। भगवान बोला गुण और कर्मों का अनुसार इसका विभाग होना चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये विभाग ना हो तो उसमें वर्ण शंकर का पैदा हो जाए। वर्ण शंकर पैदा हुए तो समाज में अव्यवस्था फैलेगा। वर्ण शंकर अगर चलते रहे और मूची का लड़की को किसी ब्राह्मण ने विवाह कर लिया तो हो गया उसका संतान आदि, बस क्या ब्राह्मण क्या बोलोगे। ऐसा करते करते वर्ण शंकर का पैदा हो जाएगा और समाज में वर्ण शंकर छा गया और समाज व्यवस्था पूरा अव्यवस्था हो गया। इसीलिए ऐसा हालत है। तो हमने क्या बोला, ऋषि ऋण ऐसे जाए, पितृ ऋण कब जाए, तो शादी करने के बाद जो लड़का पैदा हो लड़की पैदा हो तो आपका वंश का जो धाराएं हैं है? वो नहीं चलेगा। शादी करने के बाद अगर लड़का पैदा हुआ तो लड़का पैदा होने के बाद पितृ ऋण जाता है, क्योंकि पिंड देने का वही अधिकार है। समझा मेरा बात, गुस्सा नहीं करना, हम तो शास्त्रों का निरपेक्ष विचार प्रस्तुत का, हमारा किसी का ऊपर घृणा नहीं है, सभी हमारा लिए। तो ये जो है आपका पितृ ऋण गया। देव ऋण कैसे जाए इसका बारे में गीता में भगवान साक्ष बोला, ये जो हम पद्धति बताया वो यज्ञ आदि करो, इसके द्वारा क्या होगा, तुम्हारा जिंदगी भी चलेगा और देवता लोग भी तुम्हारा जो तुम्हारा सुविधा कर रहा है उसको भी फायदा मिलेगा। यज्ञ के द्वारा तो बोलोगे देवता लोगों को भाग और देवता लोग भी तुम वर्षा देगा ये देगा वो सारे सुविधा कर देगा। तो आपस में हिलमिल आपस में करते रहो, देवता लोग भी तुमको सुविधा करे, तुम भी देवता का ये करो। ये वर्णो आश्रम का विचार है, शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें तो देवता लोग का भजन करना उचित ही नहीं, एकमात्र कृष्ण भजन। ये जो वर्णाश्रम के बारे में हम बता रहे हैं अभी इधर जनरल डिस्कशन, अभी उसमें क्या बोला, बोले ए पितृ ऋण देव ऋण कैसे जाए, वो देवता का जाग जोग करो पूजन है सब देव ऋण जाए। और भूत ऋण कैसे जाए, भूत ऋण जाए जैसे आप ध्यान से सुनना ये बात को, ध्यान से सुनना। जब कोई घर में अगर रोसी करते हो, रोसी करने के बाद नियम है, रोसी करने के बाद नियम है आपका रोटी का जो रोटी बनाओगे रोटी का पहला हिस्सा गोमाता को दो। गोमाता अगर तुम्हारा अंदर रसून प्याज मांस आदि सब हो रहा है तो हम क्षमा मांगे आपका चरण में, हमको बोला नहीं है कुछ। आपका घर में अगर शुद्ध भोजन बन रहा है तो पहला हिस्सा गोमाता का, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और आपका भोजन का बाद जो रोटी का शेष रह जाए टुकड़ा वो कुत्ता को दो, नियम है। सारे जो जीव जंतु है पासी भूख सब सुबह का टाइम में कोई दाना देता है पंछियों को देता है ना, ऐसा नियम है। ऐसा करके कोई कोई क्या करे, चेटी का जो लाइन आ रहा है वहां किसी किसी आदमी जाके थोड़ा शक्कर जाके उधर डाल के आता है, कोई आटा डाल के उसमें वो जो चेटी है वो खाते रहे। ऐसा करके
भूत ऋण गया, देव ऋण गया, पितृण, और चारों चार ऋणों से बिल्कुल मुक्त, विशुद्ध मुक्ति होना चाहो तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। कौन सी तरीका है? एकमात्र है। एकमात्र तरीका क्या है? एकमात्र, ये सब मारो गुली, सब छोड़ दो। यथा तरर मोल निषेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणम तथैव अर्हननम अच्युतैज्ञा। उस दिन भी बोला था ना, पेड़ का जड़ में पानी दो। पेड़ का जड़ में पानी देते हो ना? पेड़ का जड़ में पानी देते हैं क्या? हाँ, पत्ता में ऐसा पानी देता है कोई? जड़ में पानी दो तो सारा वृक्ष पुष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण को बोला गया। ये जो विश्व संसार अनंत ब्रह्मांडो, इसका मूल है ऊर्ध मूल मधो साख्यम, गीता में है ना श्लोक ऊर्ध मूल। ये जो संसार वृक्ष का मूल है ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी है। ये जो ठाकुर जी है वही मूल है। तो मूल में पानी दो, अर्थात एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, सारे लफड़ा खत्म, कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है, सारे ड्यूटी से तुम्हारा छुटकारा मिल गया। सारे ड्यूटी, जितना ड्यूटी है, लड़का का शादी कराए, लड़का का पढ़ाई कराए, लड़की का शादी कराए, वहां जाए, समाज का भी तो एक तो ड्यूटी है ना, ये सारे ड्यूटी खत्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब देश को स्वाधीन करने के लिए आशीर्वाद मांगने आया था प्रभुपाद जी का सामने, ये बात तो प्रसंग हम बता दिया क्योंकि आपके इंस्पिरेशन मिले, इसलिए उठाया, नहीं तो हम उठाते नहीं। बाग बाजार गौरी मिशन कलकत्ता में, मेरा गुरुजी उस समय ब्रह्मचारी थे, दोपहर का टाइम में आया सुभाष बोस, खटखटाया, वो आया, क्या किस क्या चाहिए? बोले आप प्रभुपाद का साथ, हम प्रभुपाद से सोरा कीपा मांगने आए। बोलो प्रभुपाद तो अभी व्यस्त है, आ जाओ अंदर। गेट खोला, अंदर में बैठाया। प्रभुपाद को खबर दिया सुभाष बोस आया है थोड़ा आपसे मिलने, कीपा लेने के लिए। प्रभुपाद बोले ठीक है, कुछ तो कर रहा है, तो भेज दो अभी। सुभाष बोस आया और बैठाया, दंडवत करके बैठाया। उसके बाद थोड़ा हरि कथा बोले, आपस में चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद बोले महाराज आप आशीर्वाद दे दो कि हमको तो देश माता को स्वाधीन बनाना है, हम जा रहे हैं अभी। उसके बाद ये अंतोध्यान हो गया। उसका जो अंतोध्यान प्रसंग उसका बाद हुआ, फिर जर्मन में गए, सब बहुत सारे बात है। तो उसी टाइम में बोले ठीक है, और जा रहा है। तो प्रभुपाद बोला थोड़ा देर के लिए लुको, एक सेकेंड। बोला ठीक है, बोलो किस। बोले आपका जिंदगी का मकसद क्या है? बोला हमारा जिंदगी का मकसद है भारत माता को स्वाधीन बनाए। अच्छा, ये मकसद है। अच्छा, आप तो अभी बोले जी गीता पाठ करते हो। नेताजी जब आजादीन फौज को गठन करने के लिए टेंट किया था ना सिंगापुर, तब भी टेंट में बैठ के तीनों टाइम गीता पाठ। हम गीता पाठ करते हैं तो गीता में मानते हो ना? हाँ, पूरा मानते हैं गीता में हैं। बासांसि जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नवोपरानि, मानते हो ना? हाँ मानते हैं। और इस जन्म के बाद दूसरा जन्म मिले, मानते हो ना? हाँ मानते हैं। अच्छा, ऐसा करो, विचार करो, इसी जन्म में आपका शत्रु कौन है, किसको हटाना चाहते हो भारत से? बोले क्यों? ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाना चाहो। वो ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर अगले जन्म में आपका जन्म हो जाए ग्रेट ब्रिटेन में, तो आप भारतवासी को शत्रु मानोगे? मानोगे नहीं? बोले हाँ, तो सच्चा बात है। अभी आपका शत्रु है ग्रेट ब्रिटेन का, जो इंग्लैंड का लोग है ब्रिटिश, और ब्रिटेन में आपका जन्म हो जाए तो तब आप शत्रु समझोगे भारतवासी को? हैरान की बात है, किसी का दिल नहीं बैठता। अमृतमय कथा जो है इसमें नहीं बैठता। तो जब आप ग्रेट ब्रिटेन में जन्म लोगे तो आपका लिए भारतवासी शत्रु हो जाएगा। कम ऑन, विचार करो। जो आप भारत माता को स्वाधीन करने के लिए आप जाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अच्छा है, मकसद अच्छा है, लेकिन ये सब अपेरेंट है, अपेक्षिक है। हमने बोला था ना बहुत शुरुआत में, एक दिन नेक्स्ट डे हम बोला
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने एक छोटा सा एक किताब लिया, बड़ा जबरदस्त किताब, ट्रूथ रियल एंड अपरेंट, ट्रूथ रियल एंड अपरेंट। सत्य दो किस्म का होता है, एक वास्तव सत्य, एक आपेक्षिक सत्य। इसका बारे में हम कल सुबह का सायंकालीन अधिवेशन में ना सुबह की सुबह में बताएंगे, अभी तो चर्चा रुक जाएगा इधर। तो स्वामी जी जो जो सुभाष बोस का दिमाग घूम गया, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब सच्चा बताया, ये अपेक्षिक है। भले महाराज हम क्या करें, देशवासी को हम प्रतिज्ञा कर दिया ना, देशवासी का सामने, देशवासी का सामने हम प्रतिज्ञा कर चुका है, तुमरा हमारे रक्त दाओ हमें तुम्हारे स्वाधीनता दो, बोला ना, तुम हमको खून दो हम स्वाधीनता देंगे, ऐसा बोला, हम प्रतिज्ञा कर चुका। तो हमारा प्रतिज्ञा, अब अभी प्रतिज्ञा नहीं अगर किया होता तो हमारा दिल चाहता है कि आप जैसा महापुरुषों का चरण में अभी अपना जिंदगी को डाल दे। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं किया, अब हम भागे कैसे, न्यूज पेपर में आ गया, चारों जगह आ गया सुभाष बोस के बारे में, अब हम पीछे हटने वाला नहीं है। अगर प्रतिज्ञा नहीं किया होता तो अभी आपका चरण में, आप जैसा महापुरुष का चरण में अपना जिंदगी को देने के लिए हम तैयार था, क्या करें, क्षमा करो। तो ऐसा इतना सारे बातें हम बताया, अब सोच समझ लो। अभिपक्व कसाया नाम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम, कुयोगी जो है जो अपना मनमानी भजन किया, कुयोगी, कु मतलब एक तो है उपसर्ग लगा दिया, कुयोगी। तो ये जो है इसमें साधन में पक्का अवस्था नहीं हुआ, गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत तो नहीं गया, कुछ नहीं किया, कुयोगी है। अभिपक्व कसाय और हृदय का भी भाव जो है पक्का नहीं हुआ, जो प्रोसीजर अभी बताया था, आदो सध्या ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति स्वात निष्ठा रुचि इत्यादि सब आएगा। ये प्रोसीजर है, भजन अपना मनमानी करो तो इसमें कभी भी सिद्धि नहीं हो सकता, भजन अपना मनमानी करो तो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, भजन करो तो उसमें पद्धति जो है, पद्धति के अनुसार करो तो आपका जिंदगी में सिद्धि आए। तो ऐसा करके हो गया। उसके बाद नारद जी बच्चा जो है बहुत रोया, ठाकुर जी बोले हम तो अभी दर्शन नहीं देंगे, दर्शन होता नहीं है ऐसे, और उसका बात किया हुआ, धीरे धीरे किया हुआ, भले ये बच्चा पर्यटन करते रहे, बच्चा का तो पिता माता कोई नहीं है, सुबह में ही बोला था पिता माता कोई नहीं है, बच्चा तो बच्चा घूमते रहे, और घूमते घूमते समय आए कालह प्रादुर अभूत काले तरित सौदा में नहीं यथा, कैसा कालह प्रादुर अभूत, ऐसा समय आया, काल आया, इस समय कालह प्रादुर अभूत काले तरित सौदा में नहीं यथा, सौदा में नहीं मतलब विद्युत, आसमान में विद्युत चमकते है ना, भले ऐसा विद्युत का मापिक और झलक से एकदम आया और हमारा ये जो शरीर है, शरीर का नाश हो गया, शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो क्या करे, ये पंचभौतिक शरीर छूट गया, उसके बाद शरीर छूटने के बाद और ठाकुर जी का जो जो प्रलय होता है तो महाविष्णु का अंदर सारी सृष्टि अंदर चले, हम ब्रह्म संहिता से बताया, जस्यैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवन्ति लोम विलजा जगदन्ननाथ विश्वर महानस इहो यस्सो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजामि, बोला ना ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जो देखा उसी का, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अब ऐसा हुआ कि हमारा पांचभौतिक शरीर गया और उसके बाद सहस्र युग पर्यंतम उत्थायादम शिशिक्षत मारीच वचन मरीच में श्रार सहो प्राणेभ्यो अहंच जगीरे, और बहुत दिन तक महाविष्णु का अंदर जितना सारे प्राणी हैं जीव जगत, अपना अपना जो संस्कार है, संस्कार जानते हो ना, वो संस्कारों को लेकर महाविष्णु का अंदर चुपचाप रहते,
जब सृष्टि का समय हुआ तस्त काल मथावलम्ब जीवन तिलोब मिले जो बोला निश्वास और श्वास ग्रहण और श्वास छोड़ना है ना, निश्वास प्रश्वास और निश्वास के द्वारा ये सारे जगत क्या हुआ, सारे जगत प्रकट हुआ। ऐसा करके जब हम मां विष्णु का अंदर थे उसके बाद सृष्टि का समय हुआ, सृष्टि का समय जब आए मरीचि आदि जो ऋषि है, मरीचि आदि ऋषि है ना, आदि ऋषि सब मरीचि आदि के साथ नारद जी बोल रहे हमारा भी जन्म हुआ, हमारा भी पैदा हुआ। और नारद ऋषि का जो पैदा है क्रोतु वैशिष्ट सब है एक एक करके हैं, मरीचि सबका वो आविर्भाव होता है, एक एक सृष्टि ध्वंस हो जाता, फिर सृष्टि का समय आए तो समय सारे ऋषियों का आविर्भाव सब सृष्टि का जो प्रसंग आए उसे ध्यान से सुनना, दिमाग में तो घुसेगा नहीं, बहुत विचार वाला बात है तो ध्यान से सुनना, उसमें आएगा ऋषि मुनियों का आविर्भाव, देवता लोग जो उसका आविर्भाव हुआ है, सारे सब प्रसंग आएगा, बड़ा ध्यान से सुनना पड़े। तो नारद जी बताए कि हमारा भी आविर्भाव हुआ। अब नारद जी तो वैकुंठ का नित्य पार्षद है, नित्य पार्षद है ना, उसका फिर आविर्भाव होना कैसे है, ये सब बारे में बहुत खुल्लम खुल्ला विचार सूक्ष्म विचार सुनना चाहो तो आपको जिंदगी भर हरिकथा सुनना पड़ेगा, तो उसका अंदर ये सब आएगा। गोस्वामी लोगों का विचार साधन सिद्ध नारद नित्य सिद्ध नारद ये सब है विचार बहुत सुंदर। और नारद का जो आविर्भाव हुआ, ये जो नारद जी आविर्भाव हुआ और देवदत्तम इमाम बीनम सर्वब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानस चरामि अहम्। हम क्या की भले ठाकुर जी मेरे को बीना दे दिया संतुष्ट होके, देवदत्तम इमाम बीनम ये जो ये बीना है ये हमको ठाकुर जी दे दिए, और सर्वब्रह्म विभूषितम हमारा नारद जी का बीना से सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्म सर का रूप में, शब्द ब्रह्म का कई रूप है, संगीत जो गाओ उसमें भी शब्द ब्रह्म आए। सर्वब्रह्म विभूषितम सर्वब्रह्म मतलब सर मतलब तो शब्द ही है, शब्द ब्रह्म का कई रूप है, शब्द ब्रह्म का ये जो भागवत जी जिसका प्रवचन हो रहा है ये शब्द ब्रह्म का लिखित रूप है, शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म हम बाच रहे हैं वो शब्द ब्रह्म आपका कानों में जा रहा है शब्दों का रूप। और नारद जी जो कह रहे हैं इधर देवदत्तम इमाम बीनम सर्वब्रह्म विभूषितम मूर्छयित्वा हरि कथम गायमानस चरामि अहम्। हम ठाकुर जी का कृपा से बीना मिला वो गाते गाते हम सुर ताल लय उसको गाते गाते हम विचरण करते हैं ब्रह्मांड में, अच्छा बहुत अच्छा। और एक बात ध्यान से सुन लो, कितना भी जप तप कुछ भी कर लो व्रत उपवास दान पुण्य, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, ये बात क्या है जिसका बारे में हम कई बार कह चुके उसका और भले जमा दिवीर जोग पथेर काम लोभ हतो मुह मुकुंद सेवया यद्वत तथा अध्यात्या न सम्मति। आप हृदय को शांत करने के लिए आपका अंदर में जो 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 एकदम बेचैनी है तो अपना भागते हो इधर उधर, बेचैनी है कोई शांत भाव नहीं है, हृदय में बेचैनी है बाहर में भी बेचैनी का रिफ्लेक्शन तो बाहर में आएगा, बेचैनी अगर हृदय में है तो उसका रिफ्लेक्शन इंद्रियों के द्वारा हो जाएगा, बेचैनी का रिफ्लेक्शन आए ना। और ये जो है तुम्हारा जमा बचे जप जप तप तपस्या आदि करो जमा दिविर जोग पथई काम लोभ हतो मुह मुकुंद से व्याजत पथ तथा आध्यात्ता न सम्मति। जोग आदि तपस्या
श्रद्धा या कुछ भी कर लो, लेकिन ठाकुर जी का मुकुंद सेवा, मुकुंद मतलब गुरु जी व्याख्या करते थे मुकु मतलब प्रेम, दो दान करे मुकुंद, ऐसा प्रेम दान करने वाले एकमात्र ठाकुर जी ही है हमारा नंदलाला। कृष्ण प्रेम जो नंद ब्रजवासी का जो प्रेम है वो तुम्हारा भजन के द्वारा नहीं मिलने वाला। जब तक ब्रजवासी का अनुगत्य में भजन नहीं करोगे तो आपको ये प्रेम नहीं मिलेगा। एकमात्र कृष्ण का पास ही है ये प्रेम, नारायण का पास नहीं है, नारायण का पास नहीं है, राम का पास भी नहीं है, किसी का पास नहीं है, द्वारकाधीश के पास भी नहीं है। ये जो प्रेम संपत्ति है एकदम अनन्य प्रेम, जिस प्रेम ब्रजभूमि का प्रेम आमी बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं सकती, लिखा हुआ है ना चैतन्य जो दूसरा प्रेम तो दे देगा ठाकुर जी का, राम जी सब दे दे, लेकिन ब्रज प्रेम ब्रज का जो एक्सक्लूसिव भाव है, अनन्य भाव, ब्रजवासी का स्वाभाविक प्रति कृष्ण का प्रति, ये आर्टिफिशियलिटी नहीं है इसमें। ब्रजवासी स्वाभाविक प्रति कृष्ण प्रति, कृष्णेरो स्वाभाविक प्रति ब्रजवासी प्रति, कृष्णों का ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है ब्रजवासी के ऊपर, अब ब्रजवासी का भी एकदम पागल का मापे अट्रैक्शन है कृष्ण के ऊपर। वो कैसे ना जाने कैसे हुआ, बोले यही तो खेल है, ब्रजवासी और कृष्णों के साथ क्या रिलेशन, वो हम दशम स्कंद शुरुआत करेंगे, हम उससे थोड़ा जल्दीबाजी में है बहुत सारे व्याख्या, तो इधर जितना भी करो लेकिन मुकुंदो सेवा के द्वारा, मुकुंद सेवया जद्वत, जैसे मुकुंद सेवा के द्वारा हो सकता तथा आध्यात्ता न सम्मति, आध्यात्ता जो है तो जो आपका अंदर में बेचैनी बिल्कुल हटेगा नहीं, जब तक मुकुंद सेवा नहीं करोगे तब तक बिल्कुल एकदम पक्का होगा नहीं। सम्मति मतलब एकदम शांत हो जाए जिसमें कोई अनर्थ नहीं है, सम्मति मतलब अनर्थ चले जाए तो अच्छा, यही व्याख्या करो, अनर्थ चले गया, अनर्थ जब तक ना जाए तब भी कुछ भी करो, अनर्थ रहते हुए कभी भजन नहीं हो पाता, इसका बारे में हम काल सायंकालीन विचार करेंगे, प्रभुपाद जी का विचार, अनर्थ रहेगा फिर हम भजन करेंगे हो ही नहीं सकता। आपका जो अभी का जो भजन का प्रोसीड्योर है तो इसका प्रोसीड्योर का मान ही है कि पहले अनर्थ से दफा हो जाओ, ट्राई टू एलिमिनेट, जितना सारे अनर्थ है सब उसको एलिमिनेट करो, ये तुम्हारा अभी भजन, और जब प्रतिष्ठित हो जाओगे तो भजन के द्वारा क्या का क्या कुछ नहीं मिल सकता, सब जो भी है हम जल्दीबाजी में है थोड़ा। और इसके बाद तो सप्तम स्कंद में बताया से सनकादि ऋषि बोलते हैं, तो नारद जी ये जो उपदेश दे के चले गए, उपदेश किसको दिया नारद जी, उपदेश किसको दिया वेदव्यास जी को, ये सब जो कथा है उसका अंदर ही है, नारद जी वेदव्यास जी को उपदेश दिए और अपना जिंदगी का पहला जिंदगी का कहानी बताए। अब दो तीन श्लोक का हम उच्चारण करके ज्यादा नहीं करेंगे। सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ब्रह्म ये जो ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे साम्या प्रास इति प्रक्त ऋषिणाम शत्रुवर्धनम, ऋषिणाम शत्रुवर्धनम जहां जाग जगो का एकदम अनोखा जगह है, एक्सीलेंट, इतना विशुद्ध जगह है, ये कौन सी जगह है महाराज, बोले ब्रह्म नदी, ब्रह्म नदी कौन कौन है, गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्म नदी है, ध्यान से सुन लो, कभी गंगा का पार करके जाओ, जमुना का पार करके जाओ, सरस्वती पार करके जाओ, कोई भी ब्रह्म नदी, कावेरी आदि बहुत पवित्र नदी है, तो दंडवत किए बिना पार नहीं होना तो सत्यानाश हो जाएगा, सब पागल का माफिक पार होता है, को ब्रिज से पार होता, हावड़ा ब्रिज है, ब्रिज से पार हो जाता, पार करने के टाइम में हो सके तो पैर को उठा लो और हाथ जोड़ के दंडवत करो, अगर नहीं करोगे तुम्हारा सुकृति जाएगा, कोई नहीं बताएगा ये सब बात, ब्रह्म नदी को पार करो नौका का उपहार या ब्रिज देके कुछ भी करो, पार होने का पहले दंडवत करो, पार होने के बाद दंडवत करो, हमको क्षमा करना, क्या करें हम, ना करो तो आपका जाएगा। तो
ये ब्रह्म नदी का किनारे सरस्वती नदी का किनारे पश्चिम तट में सरस सत्याश्रम पश्चिमे तटे साम्मा प्रास नाम की आश्रम है, वहां ये वेदव्यास ऋषि बैठ के आचमन करके चिंतन कर रहा, उसका बाद ये सब घटना आए। और जब गुरु जी नारद जी चले गए तो बड़ा भक्ति के द्वारा एकदम आत्मस्थ हो गया। भक्ति योगेन मनसी सम्मक प्रणीत अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मयांच तदपाश्रयम। जब नारद जी उपदेश करके चले गए तो सरस्वती नदी का किनारे ध्यान से बैठ गया। गुरु जी क्या क्या, क्योंकि बोला ही है आप पूरा कंसेंट्रेट करो, ध्यान जमाओ तो देखोगे आपका सामने ठाकुर जी का सारे लीला आएगा। ये सब बात को हम बोला था ना पहले, बहुत सारे ये सब बात को हम उठाया था। तो अब ये करो, करने का बात क्या होगा, आपका अंदर ठाकुर जी का पूरा आपका लीला आदि सब उद्भासित होगा, ऑटोमेटिक स्वयं आएगा। अब आप लिखते चलोगे तो इसका बात क्या है, भले भक्ति योग के द्वारा जब हमारा मन को एकदम बिल्कुल एक जगह में स्थापित किया तो अचानक देखिए ठाकुर जी का दर्शन हुआ। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष ठाकुर जी, पूर्ण पुरुष कौन है, पूर्ण तो एक बात तो ठाकुर जी है, पूर्ण कोई नहीं, कोई देवता नहीं। आप बोले वो पूर्ण पुरुष जो है अपश्यम अपश्यत अपश्यम न अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष का दर्शन हुआ। पूर्ण पुरुष का पीछे हमने देखा माया देवी सर झुकाकर ऐसे बैठी हुई है। पहले तो देखा ठाकुर जी सामने खड़ा हुआ, और ये जो पुरुष है, ये जो है पूर्ण पुरुष भगवान, उसके ठाकुर जी का पीछे माया देवी जो है महामाया, जोगमाया नहीं, महामाया, जोगमाया तो अंदर में है ठाकुर जी, महामाया पीछे सर झुका के बैठी हुई है ऐसा कह, शर्म के मारे ऐसे, क्योंकि माया देवी ठाकुर जी के सामने आ नहीं सकता। जहां कृष्णो तहा नहीं मायार अधिकार, तुमको अगर माया पकड़ा तो जरूर सोच लो कि तू ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ, गुरु वैष्णव का सामना बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं तो माया पकड़ना संभव नहीं। तो अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच, च मतलब ओ माने ठाकुर जी का साथ भी, साथी माया को भी दर्शन किया। मायांच तदपाश्रयम, तदपि आश्रयम, तदपाश्रयम आ जया सन्मोहित जीवो आत्मनम त्रिगुणात्मकम। कौन सी माया, बोले जिस माया के द्वारा तमाम जगत मोह में गिर गया। कौन सी माया पीछे बैठी हुई है, बोले ओ माया यया सन्म, जया जया मतलब ओ माया के द्वारा जया सन्महितो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम। जितना तमाम दुनिया का जत सारे जीव है, सब जीव माया का जो चक्कर है इसी में फंस के अपना उल्टा उल्टा स्वरूप को बोध करके चला। हम लड़की है, हम लड़का है, हैं हम बूढ़ा है, हम जवान है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं है ये सब तो हैं। तो जया सन्मही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम, जो त्रिगुण सतरज तम गुण के प्रभाव के द्वारा, चक्का के द्वारा दुर्गा देवी माया देवी पूरा सारी तमाम दुनिया को घुमा रहे। ब्रह्म संहिता में आता है ये देवी जो है दुर्गा, ये दुर्गा ये दुर्गो का अंदर अर्थात जेल खाने में डाल दिया दुर्गा सारे जीव को। जब ठाकुर जी का साथ आपका थोड़ा संबंध हो जाए गुरु वैष्णव का साथ, तब ये जेल खाने से धीरे धीरे मुक्ति हो सकता, नहीं तो होगा नहीं, इसी जेल खाने में ही रहो इस जन्म में अगले जन्म में अनंत काल, फॉर इन्फिनिटी पीरियड, फॉर इन्फिनिटी पीरियड चलो। और जन्म और अभी लड़का हुआ, अब लड़की हुआ, अब गाय बछड़ा हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, बंदर हुआ, घोड़ा हुआ, हाथी हुआ, बस चलते रहे। हम बोला था ना सुबह में, सुबह में पद्म पुराण से हैं
क्या कौन सी बोला, 84 लाख जुना 84 लाख जो जोनी है उसका हिसाब दिया था ना, जलजा नवलक्षानी स्तबरा विंश लक्षति है कृमयो रुद्र शंख का पक्षीनाम दश लक्षणम है त्रिंशत लक्षानी पशव हो है चतुर लक्षानी मानव है। इसको हिसाब लगाओ, जोड़ो जोड़ो हिसाब लगाओ, जोड़ के देखोगे 84 लाख आता है ना, 84 लाख हिसाब करो 84 लाख आएगा। लेकिन डार्विन बोल के जो जीव विज्ञानी है वो 80 लाख तक 80 लाख तक पहुंच पाया, 80 लाख तक 80 लाख तक वो विचार करके 80 लाख तक पहुंचा, बाकी 4 लाख उसका दिमाग में आया ही नहीं। सारा जिंदगी रिसर्च करते गए थे, पागल है डार्विन ने जो अपना जिंदगी का अंतिम में जो एक जो स्टेटमेंट दिया सुनेंगे तो रो पड़ोगे, बोला हमारा जिंदगी ऐसा ही गया पशु का माफी, सारा दिन भर जंगल में या काचा काचा में सारा वो खाली गवेषणा करते रहे, तमाम जिंदगी गवेषणा करने के बाद 80 लाख स्पीसीस ही कुड डिस्कवर, 80 लाख तक पहुंच पाया। बाकी हमारा भागवत में पहले ही बोल चुका है, तुम तो मानोगे नहीं, जब जगदीश बोध बोले कि पैरों का भी प्राण है, कौन सी बड़ा बात है, पैरों का पैर का जो प्राण है तो भागवत में पहले ही बोला हुआ है, शास्त्रों में बोला नहीं। आचार्य जगदीश बोध जब प्रमाण किया जो पैर पौधा जो वृक्ष का भी प्राण है कौन सी बड़ा बात है, कौन सी बड़ा बात बोल दिया, शास्त्रों में तो पहले ही बोला हुआ है ना, तो कौन सी बड़ा बात है, बड़ा भारी रिसर्च किया उसका बाद ऋषि मुनि बोली कि बोल के गए सब शास्त्रों में है। तो जया सन्महितो तो जीवो आत्मनम त्रिगुणात्मकम और परोपी मनुते परोपी परोपी मनुते अनर्थम तत्कृतन चाभि पद्धते, जो चीज चल रहा है बाहर में सुख दुख जो भी चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन शुद्ध हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा बात ध्यान से विचार करके सुनना, जो दुख और सुख आपका जीवन में पेंडुलम का मापिक ऑसिलेटिंग फैक्टर आते रहते कभी सुख कभी दुख, लेकिन ये सुख और दुख का साथ आपका जो शुद्ध आत्मा है अंदर में उसका अगर उद्बोधन हो जाए शुद्ध आत्मा का प्राकट्य हो जाए तो आविष्कार करोगे कोई मतलब नहीं है ये दुनिया का जो सुख दुख जो है जिसका साथ आप जुड़े हुए हो, अरे हमारा लड़का गया, अरे हमारा बाबा चला गया, ये जो सुख और दुख ये सुख दुख का साथ आपका हृदय को जोड़ लिया, खमाखा जोड़ लिया, खमाखा जोड़ लिया, आस्तिक कोई संबंध है ही नहीं। हम 3-4 दिन पहले इस बात को स्पष्ट किया, जो हैरान की बात है दुनिया में किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है नहीं, बट यू आर सो फुल इतना बोका हो इसी का साथ संबंध जुड़ गया, हमारा गया हमारा ये वा रोना धोना शुरू कर दिया। ये जो तमाम दुनिया है इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है व्यक्ति है व्यक्ति नहीं है जिसका साथ आपका संबंध हो सके, किसी का साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, और जिसका साथ अनंत काल का इन्फिनिटी पीरियड का अनंत काल का संबंध है ठाकुर जी उसका साथ ही संबंध तोड़ के रखा है ना, जिसका साथ कोई संबंध नहीं है ये सब जितने सारे थे हमारा कौन है, और सब तो ठाकुर जी का है इसी संबंध से तो हम अपना आदमी है ठीक है, लेकिन अपना रिलेशन किसका साथ जोड़े, साधु संतों का पास जोड़े कि दुनियादारी का साथ जोड़े, जिसका साथ कोई संबंध नहीं है कोई वस्तु व व्यक्ति का साथ कोई भी समय हमारा संबंध नहीं होनी चाहिए, और उसी का सा संबंध जोड़ के मैं सुख दुख को प्राप्त करने के लिए व्यस्त हूं, और जिसका साथ हमारा संबंध है जिसका साथ हमारा अनंत काल का संबंध है वो जो ठाकुर जी परमात्मा है, तो तुम्हारा चेष्टा अगर रहे हम ठाकुर जी का संबंध ठाकुर जी का साथ संबंध हम तोड़ देंगे, अगर बोलोगे ठाकुर जी का साथ हम संबंध तोड़ देंगे सकोगे, कैसे सकोगे, परमात्मा के रूप में आपका अंदर में बैठे हुए जिसका साथ संबंध तोड़ना संभव ही नहीं है, जिसका साथ संबंध तोड़ना हर हालत में असंभव है, चाहे मरो
चाहे अनंत काल जन्म लो, किसी भी हालत में जाओ, ठाकुर जी आपका साथ रहेगा ही। उपनिषद में बोला जीवात्मा परमात्मा एक ही वृक्ष का ऊपर, जीवात्मा परमात्मा। आज जीवात्मा क्या कर, जीवात्मा ओ वृक्ष का संसार नामक वृक्ष का फल को खाते हैं और परमात्मा देखते रहते हैं, परमात्मा खाते नहीं। क्या है उपनिषद में, श्वेतसत्वर उपनिषद में विचार आता है कि एक ही वृक्षों का डाल है, वो डाल पे दो पंछी है, एक है निरण्य, निरण्य माने भोजन के बिना रह जाता है, उसका नाम परमात्मा, और एक है भोजन करते हैं। सुख दुख नाम की जो जो फल है, ये जो संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष में सुख और दुख नाम की फल का पैदा होते रहता है, और ये फल फल को खाता है कौन, वो ये जो परमात्मा है, जीवात्मा है, और परमात्मा खाते नहीं, परमात्मा की उसका बाद निगरानी नजर रखते हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसा हालत में कहीं भी जाओ, अनंत काल के इतिहास में ठाकुर जी का साथ आपका संबंधों किसी भी हालत से आप तोड़ नहीं पाओगे, नोइंगली अनोइंगली आपका साथ दोस्ती ठाकुर जी का ही है। बाकी जो आप संबंध जोड़ के रखे हो, तो आज रोगे काल भी रोगे परसों भी रोगे, आपका रोना ही जिंदगी है। क्यों आप संबंध जोड़ के रखे, क्यों पिताजी ने बच्चा का लिए भूटानी कुत्ता ला दिया, अब कुत्ता लाया तो अपना बच्चा का संबंध हुआ कुत्ता का, अब अभी पागल हो गया, और नहीं लाते तो संबंध नहीं होता, होता होता नहीं, तो इसलिए हुआ वो पागल हो गया, बस अब मरेगा भी वो कुत्ता, वो बच्चा मरेगा तो उसका कुत्ता जन्म होगा, कि कुत्ता का चिंतन है, जंग जंग बाणम भावम तजी अंत कलेवर में विचार करो सा कुत्ता जन्म। तो जो भी है अभी उत्तर दिया है सनकादि ऋषि, प्रश्न किए जो नारद जी जाने के बाद बादरायण ऋषि क्या की, इसके बाद दो एक उत्तर दिया, ब्रह्म नदी सरस्वती नदी का किनारे बैठकर आत्मस्थ हो गया, उसका बाद दर्शन हुआ ठाकुर जी, उसका पीछे माया देवी सब बोला, और उसके बाद जया सन्मोहित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम। और ये जो त्रिगुण का द्वारा जो सुख दुखों का पैदा लहर चलते रहता है, परो ओपी इसका साथ कोई मतलब नहीं, फिर भी मनुते अनर्थम कृतंच अभिपद्धते, ये सारे जो सुख दुख है आपका अंदर में डाल, हमारा गया, हमारा धन संपत्ति गया, हमने आंखों का सामने देखा, और मार्केट से गुजर रहा था और शेयर मार्केट का चिल्ला रहा है, शेयर मार्केट देखे, शेयर मार्केट में हम रास्ते से गुजर रहा है, शेयर मार्केट में चिल्ला रहा है, फोन आ रहा है, 10 फोन है, ये पकड़ रहे, और अचानक फोन आया कि उसका जो है 60-70 लाख रुपया का विनाश हो गया एक शेयर में, और सेठ जी सुनते के साथ से फोन लेके ऐसा गिर गया, फोन लेके गिर गया। हम महाराज क्या हुआ, बोले मर गया, हार्ट फेल हो गया, कि 60-70 लाख रुपया का शेयर बाजार में उसका नाश हो गया, सुनते ही हार्ट फेल। क्यों, वो जो 60-70 लाख रुपया है उसी को ही हमारा आत्मा बैठ के बैठ, हमारा ये जिंदगी है, जीवन जिंदगी वही है, रुपया पैसा जो है यही हमारा जिंदगी है, यही समझ के बैठा। जबी ये नुकसान का खबर आया तो तुरंत फोन लेके सेठ जी मौत का गोदी में ढल गया, राम नाम सत्य हो गया, वो रुपया पैसा धंधा वही उसका जिंदगी में वो आत्मा है। परोपी मनुते, जिसका मतलब परोपी मनुते अनुत्थम कृतंच अभिपद्धते, वो अपना कुछ नहीं है, आता जाता फिर भी बोलता हमारा गया, और क्या गया तुम्हारा, क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं नुकसान हुआ। और अनथोपम साक्षात भक्ति योगो मथक खजे लोकस्या जानतो विद्यांश चक्रे सत्वत संहितम। अभी ये प्रसंग आता भागवत जी का कैसे आविर्भाव हुआ, सारे समाज का अनर्थ का निवृत्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए ये भागवत जी लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सत्वत संहितम। सत्वत संहिता ये जो भागवत जी महापुराण इसका उदय हुआ। यसांग वही सूर्य मानयम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्धते पुंसाम शोक मोह भयापहा। यसांग वही
ये भागवत जी महापुराण का श्रवण का साथ साथ क्या होता है, यसांगोई अर्थात भागवत जी महापुराण का जब श्रवण करे यसांगोई श्रूयमानानम श्रूयमानायम यस्यांगोई श्रूयमानायम, जिसका श्रवण का साथ साथ कृष्णे परम पुरुषे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति रुत्पद्धति पुंसह जीवात्मा का वो ठाकुर जी के चरण में भक्ति रुत्पद्धति पुंसह शोको मोह भयापहा, शोक मोह और भय सारे मिट जाए, शोक मोह भयापहा अपहा मतलब ये भगा देंगे। भागवत जी सुनने का साथ साथ क्या किया, क्या होगा बोले सारे आपका जितना सारे अनर्थ है सारे मिट जाएगा, शोक जाएगा मोह जाएगा भय जाएगा सारे मिट के पवित्र हो जाओगे। और इसी संहिता को वेदव्यास जी ने किसको सिखाया, ये वेदव्यास जी ने ये सौस संहिताम भागवतीम कृत्यानुक्रम आत्मजम है भागवतीम कृत्यानुक्रम आत्मजम सुकम अध्यापयामासो निवृत्त नितरम मुनिम। ए निवृत्त नितरम, नितरम माने अभिघ्नम सर्वक्षम, जिसका माने निवृत्ति है, विषय का कोई स्पर्श नहीं हुआ, विषय का कोई गंदगी नहीं, ऐसे निवृत्त नितरम मुनिम ये मुनि को सुकम सुखदेव गोस्वामी को ये वेदव्यास जी ने भागवत जी महापुराण सिखाया माने दिया। ये भागवत जी का रस उसका अंदर में रखा गया। और कई अगर पूछे महाराज ऐसा कैसे संभव है, ये सुखदेव गोस्वामी जो है ये जंगल में रहने वाला, किसी का साथ कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, दुनिया का कोई वस्तु और व्यक्ति का साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बना, जन्म से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अभी जन्म हुआ, अभी इसी वक्त जन्म होने का साथ साथ ही कौन मेरा माताजी कौन पूरा पिताजी वो देखने का कोई अवसर नहीं हुआ, वो चला गया जंगल, जन्म होते ही तुरंत जंगल में भाग गया। ऐसा किसी जो परम निरपेक्ष मुनि है उसको क्यों इतना बड़ा भागवती संगीता वो पाठ करने का क्या दरकार था, वो क्यों ये अध्ययन करने के लिए पिताजी का पासा, सनकादि ऋषि प्रश्न किया। सवई निवृत्ति नितरह सर्वत्र उपेक्षक मुनि कसो वा बृहतिम एताम आत्मा राम समभसत, किसने ये सातत्व संगीता भागवत जी महापुराण का अभ्यास किया, अर्थात साध्याय अध्याय क्यों क्यों किसने क्या कारण है, ये तो परम निरपेक्ष है, किसी का साथ कोई लेना देना नहीं है, कि करने का कारण है क्या। तो सुतदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक बोला, इसका व्याख्या हमारा महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का साथ पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में 18 किस्म का आसाधन किया, और सनातन गोसाई का साथ ये वाराणसी क्षेत्र में 61 किस्म का व्याख्या, 61 किस्म का, ये एक ही श्लोक का 61 किस्म का व्याख्या सुनाया सनातन को। सनातन से साक्षात भगवान छोड़ के किसी का हिम्मत नहीं है ऐसा व्याख्या करे। जब 18 किस्म का व्याख्या किया सार्वभौमों को, सार्वभौम कौन है, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कौन है, चैतन्य लीला में वहां लिखा गया, महाप्रभु बोला तुम साक्षात बृहस्पति हो, सार्वभौमो तुम साक्षात बृहस्पति हो वाचस्पति, फिर भी तुम्हारा दिमाग में नहीं आया। 18 किस्म का व्याख्या महाप्रभु ने किया वो वाचस्पति, और सार्वभौम भट्टाचार्य बोले मेरा हैरान की बात है, ठाकुर जी छोड़ के किसी का हिम्मत ही नहीं है, आप स्वयं भगवान तो 18 किस्म का ऐसा व्याख्या किया, नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं ये 18 किस्म का व्याख्या करे। और जब 61 किस्म का व्याख्या किए चैतन्य चरितमृत में, सनातन तो घबरा गया, अरे बाप रे, एक श्लोक का, कौन से श्लोक, सुतो बोलते हैं, सुतदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं, जे सुख मुनि सुखदेव गोस्वामी परम निरपेक्ष है, सुख मुनि परम निरपेक्ष है, उसको क्या दरकार पड़ा है ये सब सीखने के लिए आए, इसका उत्तर दे रहे हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथायोपि उरुक्रमे
कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। क्या हरि का अंदर में ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, ऐसा गुण है कि कोई भी आत्माराम हो, कोई भी आत्माराम हो, कोई भी आत्माराम हो, वो आत्माराम को भी खींच के लाए। आत्माराम कौन सी बड़ा बात है? इसका उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी, आत्माराम श्रेष्ठ है। तो सुतदेव गोस्वामी मिले किस लिए आए? ये भागवती संहिता को सुनने के लिए किस लिए आए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसका कारण बोले, भले महाराज आत्माराम किसी भी अवस्था में हो क्यों नहीं, आत्माराम को भी कृष्ण जैसा जो गुणावली कृष्ण का अंदर है, किसी भी हालत से सारे दुनिया को खींच के लाए। सारे दुनिया के कृष्ण का अंदर में ऐसा गुण है, ऐसा सौंदर्य, ऐसा गुण कृष्ण का अंदर है कि आत्माराम को भी खींच के लाए। आत्माराम किसको बोला जाता है महाराज? आत्माराम तो बोल दिया, आत्माराम का माने तो बोलो, आत्माराम माने क्या है? बोले महाराज आत्माराम का माने है आत्मनि रमते या स्व आत्माराम, आत्मा में जो रमन करते हैं। मेरा बात समझाने, यू आर सेटिस्फाइड योर सेल्फ इन यू, आपका अंदर में ही संतुष्टि है, हमको कुछ चीज का दरकार है ही नहीं। अपने आप में स्वयं पूर्ण, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंखती है ना, इसी अवस्था तो है। किसका? सुखदेव गोस्वामी का क्या अवस्था है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंखती, इसी अवस्था है। किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ उसका कोई लेना देना है नहीं, परम निरपेक्ष हर वक्त संतुष्टि का एकदम आनंद। संतुष्टि का आनंद चाके हो कभी? कौन चाका है? एक वास्तव साधु सन्यासी छोड़कर किसी के हृदय में ऐसा भाव नहीं है। हर वक्त संतुष्टि आनंद, हर वक्त आनंद ही आनंद है, हर वक्त आनंद ही आनंद है। ऐसा जो है आत्मा राम को भी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुणावली है, वो ऐसा आत्मा राम को भी खींच के आपका बस में लाए, है ना? जब ही तो भागवत जी महापुराण आया, कैसे सुतत गोस्वामी आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथाय पियुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथाय पियुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। ऐसा गुण है जे आत्माराम को भी खींच के लावे और अपना गुलामी करवाए, अपना गुलामी कराएगा। जो कृष्ण का गुण का पता चले तो कृष्ण जी का सेवा करे, करे ना। बिल्लो मंगल जी कैसा लिखा सुंदर है, भले किसी ने मेरा दिल को चुरा लिया और अंतिम में मेरे को दासी बना दिया, दास दासी बना दिया मजबूरी में। कितना सारे गोपी भले ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए हमको, मायना फायना हमको तनख्वाह देने का दरकार नहीं। गोपो बोजो गोपियों ने सुंदर ये सब भाव आए, सुनने वाला कौन है? सुनाने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कौन है? सुनने वाला सुनाने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही इसलिए बोला भले जो आश्चर्य वक्त्या कुशलस्य लब्धा, इसका वक्ता नहीं है। उपनिषद में आता है इसका वक्ता कोई नहीं है, और है तो कोई परसेंटेज में नहीं आएगा, 0.00001% तो कोई परसेंट भी नहीं आया है या भले अगर सुनाने वाला कोई है तो दुनिया का जो जितना सारे संख्या है जनसंख्या उसमें कोई परसेंटेज में नहीं आएगा। इसीलिए बोला उपनिषद में जो आश्चर्य अश्व वक्ता, इसका वक्ता आश्चर्य है, मिलता ही नहीं। अगर मिल भी गया, अगर वक्ता मिल गया आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लब्धा, और उसको जो ग्रहण करे वो प्रवचन सुन के, ऐसा ग्रहण करने वाला कोई नहीं।
स्टिल मोर रेयर, और भी रेयर है। आश्चर्य वक्ता कुशल सलब्धा। और गोपियों ने बताए, गोपियों ने क्या बताई, भागवत में आएगा, देखो दसम स्कंद में, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म देख, ये सब श्लोक आएगा। और एक जगह बोला, थे कृष्णो हम तो असुल को दासिका, ते असुल को दासिका, तुम्हारा तरफ से कोई तंखा का कोई आशा नहीं है, बिना तंखा का दासी है ना, बिना तंखा का दासी, कोई तंखा पंखा नहीं चाहिए, हम ऐसे ही दासी हो गया तुम्हारा, दासीगिरी करे, असुल को दासिका, असुल को, असुल को मतलब शुल्क को नहीं चाहिए, ऐसे ही दासी बन गया, तुम्हारा ऐसा गुण है। तो ये जो है यहां हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बदरायण ही अध्यागत महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, एक इसका उत्तर दिया क्यों अभ्यास किया, बोले हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बदरायणी, बदरायणी बदरायण ऋषि का लड़का सुखदेव गोस्वामी, ये वेदोव्यास का जो लड़का है बदरायणी ऋषि, हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बदरायणी ही अध्याग्याद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, वैष्णवों का संपत्ति है भागवत, किसका संपत्ति है भागवत, तो वैष्णवों का संपत्ति है, भागवत में उत्तर भी है, सब वैष्णवानम धनम यद वैष्णवानम धनम, उत्तर है ना, ये वैष्णवों का संपत्ति है, जिसका अंदर में मत्सरता बोल के कोई चीज नहीं है, निर्मत सरानम सताम, जो निर्मत सरानम सताम, निर्मत्सर और साधु, कोई मत्सरता नहीं, दूसरे का उन्नति देखकर जेलासी आ जाना, ये मत्सरता है, मत्सर भाव ये नहीं है, जो ऐसा साधु संत का द्वारा ही आस्वादन, आस्वादन का लायक चीज है, आस्वादन करने वाला चीज है, कौन, ये भागवत जी महापुराण, दूसरे जगत का आदमी तो सुनेगा, सुकृति होगा और ध्यान से सुने, आश्रय लेके शरणागत हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज सुना, पहले परीक्षित महाराज जी का 100% शरणागत सिद्ध हुआ, आफ्टर दैट उसके बाद भागवत का प्रवचन शुरू हुआ था, लिखा हुआ है, पहले 100% 100% शरणागति सिद्ध हुआ, सिद्ध हुई है, उसके बाद भागवत प्रवचन शुरुआत हुआ। ये बोले ये जो महद आख्यान है भागवत जी महापुराण, जो नित्य विष्णु जनप्रिय, इसका श्रवण कीर्तन शुरू किए बाद में, हाँ। ऐसा करते करते पूरा वर्णन किए सुंदर, और बताए कि अभी प्रश्न आता है, सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज, ये परीक्षित महाराज जी का आविर्भाव प्रसंग कैसा, हम पूरा शॉर्ट में जा रहा है क्योंकि टाइम नहीं है, परीक्षित महाराज जो महाभागवत है, जिसके खातिर, जिसके कारण आज हमारा समाज में भागवत कथा का आनंद का लहर चल रहा है, उसी का आविर्भाव प्रसंग आप अगर उचित समझे तो हमारे सामने कह दे कैसे आविर्भाव हुआ। बोले ये भी आश्चर्य की बात है, कुरुक्षेत्रों का युद्ध हो गया, और इसके बाद ये जो पंच पांडवों को नाश करने के लिए क्या किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन घबरा गया, अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानम अभयंकर तम एको दज्यमानानम अपवर्गो उसी संस्कृते है तम आद्य पुरुष हो साक्षात ईश्वर प्रकृति पर मायम बुधस्व चित सक्ता कैवल्य स्थितो आत्मनि, ऐसा करके बुलाए। हम तो पूरा बात नहीं बोला, धीरे बोला कि सब सारे ऐसा जो विशेषण है दिया, संसार में आप ही एक गोति हो, आप ही एकमात्र गोति, भक्तों को निर्भीक निर्भय देने वाला बड़ा भाई, और ये जो ये जो
बोला दज्जमानानम अपवर्गोसी, पवर्गो नहीं, दज्जमानानम मतलब जो दज्जमानानम मतलब क्या है, जो संसार में जलते हुए जो आत्मी हैं, जितना सारे प्राणी है, दज्जमानानम दहन में पड़े हुए हैं, जल रहा है, दज्जमानानम ये जो दज्जमानानम ये प्राणियों के लिए तम ओसी अपवर्ग, पवर्ग क्या है, पवर्गो प के द्वारा पाप है, प फ ब भ म, व्याकरण नहीं पढ़ा, पवर्गो किसको बोलते हैं, प फ ब भ म है, प में पाप, फ में फलभोग, प फ ब वृद्धि प परिणाम, प फ ब भ मतलब भय, म मतलब मौत मृत्यु, इसी पांच को ही आप लोग अनजाने में नोइंगली और अनोइंगली इसी का पीछे पड़े हुए ना, पवर्ग सब पाप सब पवर्गो का पीछे लगे हुए, कोई ऐसा जीवात्मा है जो आए मेरा सामने सालग्राम छोके बोले महाराज हमको, हम पवर्गो के पीछे नहीं है, कोई है इधर, कोई आए तो सही सालग्राम छोके बोले, बोले महाराज हम अपवर्ग के पीछे है, बोल नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, शिल भक्ति वाल अस्तित्व को छाती ठुक के बोलते, कोई है हिम्मत, आओ बोलो जो हमको ठाकुर जी चाहिए, अ प वर्ग मतलब पवर्ग का बाहर, अमृत तुम अमृत प्राप्ति के लिए प्रचेष्टा कर रहे हो, तुम झूठा बोल रहे हो, ऐसा मत बोलना, बोले तम आद्य पुरुष हो साक्षात ईश्वर प्रकृति पर, अर्जुन ने बहुत सारे विशेषण दिया, वंदना किया बहुत, उसके बाद बोले ये जो जलते हुए वो जो आ रहा है वो क्या है, ये क्या है हमारा वो और आ रहा है पंच पांडव को नाश करने के लिए, भगवान बोले वो कुछ नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया वो कौन, अश्वत्थामा, और तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तुम तो जानते हो, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया लेकिन वो उसका वापसी, ब्रह्मास्त्र को छोड़ के उसको वापस लेने का जो विद्वा है उसका पता नहीं है, ऐसा करके क्या हुआ, भगवान जी ने बोला बेथेदम द्रोण पुत्रस्य ब्राह्म मंत्रम प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणावधा प्राणावाध उपस्थिते, प्राण जहां प्राण को हरण करने के लिए वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो इसका व्यवस्था ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मुश्किल, और द्रोण पुत्र अर्थात अश्वत्थामा, और इसका जो समाधान है एकमात्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही हुआ, उसका काउंटर बैलेंस जो करो उसका ब्रह्मास्त्र को, ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही प्रशमन संभव है, किसी दूसरा अस्त्र के द्वारा हो नहीं पाएगा, तो ऐसा करते करते अर्जुन पानी लेके छोड़ा आचमन करके बस, अब ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया, और बड़ा समस्या है, बड़ा भारी मुश्किल, ऐसा जो है करके समाधान हुआ। इसके बाद क्या हुआ, भले गौतमी सुत, उसका माता का नाम क्या है, गौतमी, और भले ये क्या किया, जब अर्जुन ने उसको पीछा किया, जब उसको पकड़ो, तो वो क्या किया, एकदम पागल का मापिक भागना शुरू कर दिया, अब घोड़े ऐसा दौड़ते दौड़ते घोड़े भी शांत हो गया, घोड़े जब शांत हो गए, घोड़े से रथ से कूद पड़े, रथ से कूद के फिर पैदल दौड़ने लगे जंगल में, बोले कहां तक तू दौड़े, जहां जाए हम वहां से पकड़ के लाए, अर्जुन ने जाके उसको पकड़ के एकदम रस्सा से बांध कर कुत्ता जैसा ले आए, कुत्ता जैसा लाए, इधर रस्सी से बांध दिया गया, और रथों का जो रॉड है वो जो ये है उसका साथ बांध दिया, और रथ जा रहा है वो एकदम रस्सा से धूली लटपट लुटपुट होते होते जा रहा है, रथ का साथ बांध दिया, रथ जा रहा है वो धूली पे एकदम धक्का खाते खाते ईंट पत्थरों के साथ हो जाके द्रौपदी देवी का सामने जाके फेंक दिया, लो इसको,
फेंक दिया सामने। जब फेंक दिया तो द्रौपदी ने देखा ये गुरु पुत्र है अश्वत्थामा। तो हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, पहले पहले बहुत सारे हरिकथा हुआ उसमें आप देख लेना, वो सब हरिकथा में ये सब चीजों का बार ज्यादा व्याख्या है। जरा सा भी शांति नहीं है, जरा सा भी शांति नहीं है, बंदर जैसा है, बंदरों का जैसा शांति नहीं है, दौड़ते रहते हैं, रेस्टलेस। वाई बंदर को बोलो वो बेचैन है। तो ये जो है सामने द्रौपदी के सामने फेंक दिया। द्रौपदी तो करी ये तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र छोड़ दो। मन मुच्यताम मुच्यताम एशो ब्राह्मणो नितरम गुरु, ये तो गुरु है, ब्राह्मण का गुरु जी का पुत्र है, इसको छोड़ दो, बंधन से छुड़ा दो। अब यही जो अश्वत्थामा है इसी ने पांच पुत्रों को कातिल कर दिया था, पांचों पुत्रों का जो नाश द्रौपदी का यही अश्वत्थामा ने किया। देखो कैसा खमागुन है वैष्णवों में, वैष्णवों में कितना खमागुन है ये विचार करो। द्रौपदी का पांच पुत्रों का नाश कर दिया कातिल को, फिर भी बोल रही है मुच्यताम मुच्यताम एशो ब्राह्मणो नितरम गुरु, साक्षात गुरु है, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। आज जिसका पास आपने सौ रहस्य धनुर्वेद सौ विसर्गो सौ विसर्गो उपसंयम अस्तोग्रामश्च भवता शिक्षितो जदनुग्रह, जिसका कृपा के द्वारा आपको ये सब अस्त्रोज्ञान आदि हुआ, आपका जो अस्त्रोज्ञान हुआ। अर्जुन को बोल रहे हैं द्रौपदी तुम्हारा जितना सौ रहस्य ये धनुर्विद्या ये वेद का ही अंश है, गंधर्व विद्या है, धनुर्विद्या बहुत सारे, ये भी वेदों का अंदर, व्याकरण भी वेदों का अंदर, निरुक्तो सब वेदों का अंदर भाग है। तो ये जो है ये आपने गुरुजी का पास सीखा, अब इसका ही लड़का को अब मारोगे, अब मारने से क्या होगा, अभी तो द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य तो नहीं है, युद्ध में मारे गए। तो द्रोणाचार्य का स्त्री कृपी क्या नाम है, गौतमी, गौतम है ना पत्नी का नाम, ये तो विधवा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसको देखने वाला कोई नहीं है, कृपा करके छोड़ दो। मैं जानती हूं कि पुत्र जाने का बाद कितना कष्ट होता है, हम स्वयं इसका साक्षी, हम ये कष्ट भोगने नहीं देंगे। गुरु का जो पत्नी है वो अभी तो गुरु जी नहीं है द्रोणाचार्य, इसको छोड़ दे। स एव भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, प्रजा मतलब ये संतान माने लड़का का रूप में वही द्रोणाचार्य ही है, लड़का का रूप में द्रोणाचार्य है। आत्मो वही जाते पुत्रो, महाप्रभु बोला इसका भी बहुत सारे गंभीर व्याख्या है, सारे व्याख्या सुनने का टाइम नहीं है बाबा, क्या करे। अब छोड़ दिया, अब कृष्ण भगवान ने, और कृष्ण भगवान बड़ा चालू है, कृष्ण भगवान ने बोला अभी खेल खेल देखे थोड़ा मजा। तो जब बोला छोड़ दो इसको, तो छोड़ने का बाद कृष्णों का ओर देखा, कृष्णों का ओर देखा अर्जुन, और कृष्ण क्या बोल रहा है, भीम दादा बोल रहा है मारो बेटा को, खत्म कर दो बेटा को, भीम दादा तो एकदम फूले कह रहे मारो इसको, मार दो। अब सारे बोल रहा है, नकुल सहदेव बोल रहा है मारो बेटा को, सब बोल रहा है। द्रौपदी बोल रहा है इसको छोड़ दो, द्रौपदी बोल छोड़ दो। अब इतने में चक्कर आ गया, अर्जुन बोले किसका बात मानो, द्रौपदी बोल रहे छोड़ दो, भीम दादा बोल रहे मारो, अब किसका बात माने, कृष्ण का ओर देखा। कृष्ण बोले देखो ऐसा है, ब्रह्म बंधुर नहंतव्यो, ब्रह्म बंधुर नहंतव्यो आतोताई बदारहना, इतना बोल के चौक हो गया। ब्रह्म बंधु बदारहना है, ब्रह्म बंधु नहंतव्यो बदारहण ना, ब्रह्म बंधु नहंतव्यो है आतोताई बदारहण, जो आतोताई है चुपके से आपका लड़का को मार दिया, खून करगन गिर आया, घर में अनजाने में आग लगा दिया, खाने का साथ
जहर दे दिया, ये सब बोलता है क्या आतोताई। आतोताई शास्त्रों का धर्म शास्त्र में है, आतोताई हर हालत में उसको मारना चाहिए। आतोताई संपत्ति के हरण कर लिया, आतोताई है, आतोताई बदारण हो। कृष्ण बोल रहे शास्त्रों का विचार देखो सखा, आतोताई को मारना चाहिए लेकिन ब्रह्म बंधु को मारना नहीं चाहिए। बोले इसका मतलब क्या हो, चक्कर आ गया। अर्जुन तो चिंता करते रह गए, ब्रह्म बंधु नहंतव्यो आतोताई बदारहण मयैव उभयाम नातम परिपाही अनुशासनम, मयैव उभयाम नातम परिपाही अनुशासनम। भगवान श्री कृष्ण ने उसको और चक्कर में डाल दिया। बोले देखो द्रौपदी जो बोल रहा है वो भी मानो, भीम दादा बोल रहा है वो भी मानो, हम जो बोल रहे हैं वो भी मानो, तीन 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 सब एक साथ कैसे माने। बोले द्रौपदी जो बोल रहा है उसको छोड़ दो, वो भी मानो, भीम दादा बोलते मारो वो भी मानो, हम जो बोल रहे हैं वो भी मारो मानो, तो तीन सब एक साथ बोले तो हम कैसे विचार कैसे करें। मयैव उभयम् नाथम परिपाहि अनुशासनम, शास्त्रों का विचार को एकदम ध्यान से रखते हुए जो उचित है वही करो। आतोताई तो मारना चाहिए, अब ब्रह्म बंधु नहंतव्यो आतोताई बदारहण, ऐसा बोल के जब चुप हो गया अर्जुन ने थोड़ा देर तक चुप किया। बोले इसका माने क्या है, इसका तो माने नहीं बैठता, क्या बोल रहा है। अंतिम में पता चला देखो ब्राह्मण अगर जितना भी बदमाश हो, वास्तव ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का खानदान में अगर कोई बदमाशी कर दिया, ब्रह्मोत्तेज है लेकिन बदमाशी करके ब्रह्मोत्तेज चला गया, ठीक है ब्रह्म बंधु बन गया, भजन किया बहुत सब किया, अश्वत्थामा बहुत भजन किया है, तो इसका ब्रह्मोत्तेज था। लेकिन बाद में ये वैष्णवों को ये गला काट दिया अश्वत्थामा, इसका लिए फल भुगतना पड़ा, फल भुगतना पड़ा। इस टाइम में अर्जुन ने सोचा कि ठीक है, शास्त्र में लिखा हुआ है ब्राह्मणों का शरीर का वध नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों को शरीर से मारा नहीं जाता। बोले त्या क्या करे, उसको बांध के लाए तो उसका चूल जो है कमा दिया, सेप कर दिया पूरा चूल को, बाल है ना, बाल को कमा दिया। कमाने के बाद ऊपर में दही घल मट्ठा जो है माठा डाल दिया और धक्के लगा के फेंक दिया, कपड़ा को अलगा कर दिया, थोड़ा कपड़ा छीन लिया, छोटा सा कपड़ा रख दिया और बाकी धक्के लगा के मर दिया, फेंक दिया जा बा। एश ही ब्रह्मपदहा, एश ही ब्रह्मपदहा, इसी को ही ब्रह्मवध बोला जाता है, इसी को ही ब्रह्मवध बोला जाता है। जो सन्मानी है, जो ब्राह्मण है, जो ऊंचा प्रतिष्ठित आदमी है, इसको अगर अपमान करो, हाँ वो बाल को कमा दो और उसमें तकरो माने दही अगर घोल जो है मट्ठा है उसको डाल के उसको फेंक दो, यही अपमान है, इससे बढ़कर अपमान हो नहीं सकता। क्या मानी व्यक्ति का, मानी व्यक्ति शास्त्र में विचार है, मानी व्यक्ति का मान नासी उसका मौत की बराबर, मानी व्यक्ति का मान को हरण कर लो यही मौत की बराबर, मौत से भी ज्यादा है, मौत से भी वो जीना नहीं चाहे। और असत्यमा इतना बड़ा अपराध किया, वो किए हुए कर्म का फल अभी भी असत्यमा भुगत रहे। कब असत्यमा पांच लड़का को मारा था, सोए हुए बच्चा मासूम बच्चा, पांच बच्चा को अर्जुन जो द्रौपदी का पांच संतान, अभी वो अपराध का ब्रह्मास्त्र चलाया सब, ये अपराध का जो फल है आज भी इसी समय अश्वत्थामा जी अभी भी भोग रहा है। अभी भी अश्वत्थामा पिसाई गांव ब्रजधाम में, पिसाई गांव नंदग्राम से तीन चार किलोमीटर अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, अभी भी असत्यमा भजन कर रहा है, अभी भी उसको कृपा नहीं मिला। असत्यमा जीते जी पिशाच जोनी मिल गया, असत्यमा जब अपराध किया असत्यमा जीते जी पिशाच हो गया, जीते जी जब अपराध किया उसके बाद और अपराध करेगा, इसका ही प्रसंगार है। और जो संतान बीज जो है पंच पांडव का संतान का बीज जो है कौन है, परीक्षित महाराज अभिमन्यु का लड़का, ये जो संतान बीज है इसको फिर मारने का कोशिश करे, ये धक्का दे दिया ना, धक्का देने का बाद दूर चला गया और सोचा हम भी देख लेंगे बोल के फिर ब्रह्मास्त्र ऐसा छड़ा
छोड़ा अस्त्र, वो अस्त्र को ऐसा संधान किया कि उत्तरा का गर्भों का नाश हो जाए। इतना प्रतिहिंसा है, बोला हमको अपमान किया तो ठीक है हम भी देख लेंगे। बल्कि जब धक्के लगा के फेंक दिया गया तो बाहर में गया, जाने के बाद एक जगह जाके फिर अनुसंधान किया, वो ये आपका अस्त्रों का संधान किया। जैसे पंचपांडव का जो आखिरी जो लड़का है, आखिरी संतान बीज है, पूरा खानदान उजर गया, एक बीज है, तो उसी बीज को मारने के लिए फिर से अस्त्र चलाया, ऐसा अपराध किया। इसी के कारण वो जीते जी पिशाच हो गया। पिशाच जानते हो, अश्वत्थामा जहां रहते हैं वहां कई किलोमीटर कई किलोमीटर का आसपास कोई जा नहीं सकता, इतना दुर्गंध है। अश्वत्थामा जहां ठहरेगा उसका कई किलोमीटर वहां कोई जा नहीं पाएगा, ऐसा दुर्गंध, पिशाच हो गया उसका शरीर से, पिशाच, पिशाचिक गंध। शर्म के मारे खमा तो नहीं मिला, ठाकुर जी बोला तेरे को हम खमा नहीं करेंगे। तो खमा कैसे मिले, उसको याद आया शास्त्रों का, जो चीज ठाकुर जी खुद खमा नहीं करता, ठाकुर जी का धाम उसका खमा कर देता है। जो खमा ठाकुर जी नहीं कर पाता वो खमा ठाकुर जी का धाम कर देता, ये शास्त्रों का विचार आया। जैसे जगाई माधाई को अंतिम में क्या धाम का सेवा मिला, धाम का सफाई करो। ब्रजमंडल में ऐसा भी संत है कि झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल गया, तुम तो बड़ा लंबा चौड़ा दे रहे हो बिल, मैंने ऐसे किया फलाना किया, वो झाड़ू लगाते लगे दो संतों को ठाकुर जी मिल गया। झाड़ू लगाते हुए सामानंद प्रभु क्या किया, सामानंद प्रभु झाड़ू लगाते लगाते वो कुंज है निधुवन, निधुवन से राधा रानी का चरण का पायल जो है मिल गया, पायल जो है मिल गया, वो छुपा के रख दिया। वो पायल को लेने के लिए ललिता सुखी आई, अकोले हमारे सुखी का ये पायल है, बोले जिसका है वो आए तब दे, नहीं तो नहीं देंगे, परिचय देना पड़ेगा, वो भी चालू है, बोले ये पायल तो मिला लेकिन देगा नहीं, जाओ जिसका पायल है, बोले हमारा सखी का, बोले उसको आने दो, कितना चालू है देखो, वो खुद आके लेके जाए तब देंगे। राधा रानी खुद आई, बोले हमारा पायल दे दो, ठीक है पायल तो देंगे, मैं ले लो पायल। राधा रानी अपना स्वरूप का दर्शन कराया और वो जो पायल है नुपुर है, नुपुर को देके इधर एक तो नुपुर का तिलक बना दिया, नुपुर तिलक इधर से ऐसा करके अंकन कर दिया, तब से जो सामानंद परिवार में नुपुर का तिलक हो गया, राधा रानी स्वयं बना दिया, बोले ये तिलक कभी भी मिटेगा नहीं, ये तिलक कभी भी मिटेगा नहीं, ऐसा राधा रानी कर दी, तो ऐसा चालू है। तो ये जो है ठाकुर जी धाम का सेवा, जो है धाम का सेवा के द्वारा जो खमा ठाकुर जी खुद कर नहीं पाता, संभव नहीं है, वो खमा ठाकुर जी का धाम कर सकता, धाम का अगर सेवा करे। तो ये बात याद आया तो अश्वत्थामा क्या किया, ब्रजमंडल में चला गया, बोले ठीक है आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, नहीं तो हजारों साल बाद, लाखों साल बाद कृपा तो करेगा जरूर, क्योंकि हम धाम का सेवा कर रहे हैं। इसी निश्चय विश्वास को लेकर अभी तक भी अश्वत्थामा वो पिसाई गांव पे भजन कर रहा है, पिसाई गांव नंदगांव से जाना पड़े, आप लोग नहीं गए कभी, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो ये अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा को छोड़ देने का बाद, क्योंकि वो तो आतोतई है, छोड़ देने का बाद उसके बाद फिर वो दूर में जा गया और फिर अस्त्रों को अनुसंधान संधान किया। फिर जब किया उस समय में क्या हुआ, कुछ देर बाद जब सारे समस्या मिट गया, वो कोई दिन बाद, उसी समय में नहीं गया कुछ बाद, जब भगवान श्री कृष्ण रथ में चढ़कर द्वारका को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय ये जो है उत्तरा दौड़ते हुए आई है, बचा लो ऐसा करके, मतलब क्या हुआ, उत्तरा दौड़ती हुई आई, जब रथ में रथ स्टार्टिंग होने वाला, रथ चढ़कर ठाकुर जी द्वारका को प्रस्थान करने वाला, उसी समय में
अभी वो चिल्ला चिल्ला के एकदम आए, कौन है? बोले वही कौन है? उत्तरा, उत्तरा आए, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद अभयम पश्ये यत्रो मित्रु परस्परम अभिद्रवती माम ईशो सरहस्तप्तायासो विभो कामम दहतु माम नाथो मामे गर्भो निपत्तताम। ठाकुर जी को बोलो प्राही पाही हमको बचाओ, हे जगतपते, हे देव देव बचाओ, ये दूर से कोई अस्त्र आ रहे हमको नाश करने के लिए, और हमको नाश करे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा अंदर में जो संतान है संतान को बचा लो ठाकुर जी। अभिद्रवती मामीशो सरहस्तप्ता यासो विभो कामम दहो तुमाम, हमको जला के रख कर दे, हम अपना लिए तुम्हारा साथ तुम्हारा पास प्रार्थना नहीं पेश कर रहा, अपना कोई विनती नहीं है, हमको बचा लो। लेकिन ये पंच पांडव तुम्हारा भक्त है, ये पंच पांडवों का खानदान उजाड़ जाएगा ठाकुर जी, बड़ा मुश्किल सब बचा लो। शास्त्रों का विचार है कि उत्तरा जी का जो भक्ति है सबसे उत्कृष्ट है। पहले अधिवेशन में भी हम इस बात पर थोड़ा बहुत चर्चा की, उत्तरा का जो भक्ति है सबसे श्रेष्ठ। बोले क्यों महाराज? उत्तरा का भक्ति श्रेष्ठ है। बोला हाँ, कुंती देवी का जो भक्ति है वो तो श्रेष्ठ है, द्रौपदी का भक्ति है वो श्रेष्ठ है, लेकिन उत्तरा का भक्ति जो है इनसे भी बड़ा श्रेष्ठ है। बोले कैसे? प्रमाण प्रमाण दे दो। बोले द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था, वस्त्रहरण का टाइम पे द्रौपदी क्या की? पहले जो वस्त्रों को हरण करना शुरू कर दिया, वो अपने आप कापर को पकड़ के रखा। बाद में पहले तो सोचे कि हमारा वस्त्रहरण हो रहा है तो ये वस्त्र में पितामह है, पितामह जरूर इधर बोले ये क्या कर रहा है, तो बोलेगा कम से कम पितामह कुछ नहीं बोला। जब बोला नहीं तो बोला ठीक है, धृतराष्ट्र है वो कुछ बोलेगा, कुछ बोला नहीं तो बोले बोलो अंतम में युधिष्ठिर महाराज है कुछ बोलेगा, कुछ बोला नहीं। भीम कुछ करे, भीम भी कुछ किया नहीं, नकुल सहदेव अर्जुन कुछ किया नहीं। एक एक करके एक एक व्यक्ति का ऊपर भरोसा रखते हुए वो हमारा ये जो द्रौपदी देवी ने धरा चेष्टा की, बोले शायद ये रखा करे मेरे को, शायद ये रखा करे। लेकिन कोई जब रखा नहीं किया, दुशासन ने एकदम बिल्कुल उसको, तब हाथ उठा के हा गोविंद हमको बचाओ। ठाकुर जी ने इस बात को बोला, जब द्रौपदी बोले हम बुलाया था फिर आए क्यों नहीं जल्दी, बोले बुलाया तो था लेकिन पहले तो बुलाया नहीं था, पहले भरोसा रखा था हाँ हमको ये भीष्म पितामह रोकेगा, जरूर रोकेगा, और धीरे धीरे अंतिम में आगे चलकर जब तुम निराश हो गए तब गोविंद बोला, और जब गोविंद बोला तब कपड़ा का रूप धारण करके हम आ गया कि नहीं बोलो, जब तुमने हमको बुलाया तो हम आया, पहले तो हमको बुलाया नहीं, बुलाया था बुलाया नहीं, पहले बुलाया था सोचा था ये पितामह भीष्म हमको बचाए ऐसा करके, इसलिए हम आया नहीं, जब बुलाया तब आ गया। और ये जो द्रौपदी का बात, कुंती देवी का स्टॉप आएगा वहां, देखो कुंती देवी भी रिश्तेदारी में बहुत आस्था, माने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अनन्य भरोसा है, फिर भी थोड़ा बहुत दूसरा चीज में थोड़ा बहुत भरोसा। कुंती देवी स्टॉप में आए, भक्ति है बहुत अनन्य भक्ति, लेकिन फिर भी, लेकिन उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। टीकाकारों ने विचार किए, देखो कुंती देवी का कि मुश्किल आया तो बोले रिश्तेदारी में कोई किसी का खबर नहीं लेता, कितना दिन हो गया आया नहीं हमारा खबर, भैया लोग लेते नहीं, अरे ऐसा बोले विचार आएगा, ऐसे आएगा देखोगे भैया लोग सब हम बहन है खबर नहीं लेते। लेकिन उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ, क्यों? जब भी मुसीबत आया तुरंत एक साथ साथ संग संग ठाकुर जी का शरण में गया, गया कि नहीं? किसी का भरोसा में गया? जब भी समस्या आई तो चिल्लाना शुरू किया, ठाकुर जी पाही पाही माम को बचाओ, ठाकुर जी के शरण में। तो भक्ति का जो मेजरमेंट है, भक्ति का जो विचार है, भक्ति का विचार में
ये उत्तरा का भक्ति श्रेष्ठ निकला। क्यों? उत्तरा ने ये समझ, कोई भी समस्या आए डायरेक्टली कृष्ण के शरण में जाए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाली, तो डायरेक्ट कृष्ण के शरण में। इसलिए उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, यही है विचार। तो ऐसा जब बोले ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी क्या की, जब उत्तरा ने ऐसा चिल्ला के एकदम शरण में गई, बचाओ ठाकुर जी, पाही पाही महायोगिन देवो देवो जगत पते, नान्यम तद अभयम पसे यत्रो मित्रु परस्परम। ये दुनिया में एक दूसरे का साथ लड़ाई कर ही रहा है हर वक्त। भवो दवाग्नि निर्वापनम चैतन्य महाप्रभु का, भवो दवाग्नि, ये पृथ्वी में आग जल रहा है। आग कैसा जल रहा है देखा, दवाग्नि देखा, जंगल में एक सूखा का मरसूम, जब जब वैशाख जेठ महीना में इतना ताप होता है सूरज जी का, किसी पेड़ का साथ ऐसा हवा के द्वारा घर्षण होता है, एक लकड़ी का साथ दूसरे करते करते बस आग जल गया, और माइल के माइल किलोमीटर के किलोमीटर पूरा जंगल एकदम जल के राख हो जाता। इसको बोलता है क्या, दवाग्नि, फायर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फायर, दवाग्नि। ये जो जगत है निश्चय करके हृदय में ये विचार को रखना कि जगत जो है ये दवाग्नि जल रहा है, एक दूसरे का साथ लड़ाई कर रहा है हर वक्त एक दूसरे का शत्रुता लड़ाई। इसी चैतन्य महाप्रभु बोले चेतो दर्पणम अर्जुनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम, सारे जगत में आग जल रहा है, किसी का भी हृदय में बिल्कुल शांति नहीं है। अब इधर समाप्त करने का टाइम हुआ, क्योंकि आप लोग देरी करके शुरू करते हो तो हमारा भी देरी हो जाता, सुबह में शाम को तो हमारा देरी हो जाता, उचित नहीं है, मैं क्या करूं। ठीक है, अभी जो विचार है कुंती देवी का एक श्लोक बोल के हम शुरू करेंगे। ठाकुर जी उत्तरा का गर्भ में पहुंच गए और अस्त्रों के द्वारा, और वो जो संतान का जो बीज है अर्थात ये परीक्षित महाराज को गर्भ में रक्षा कर दिया, गर्भ का अंदर रक्षा कर दिया बच्चा को, ऐसा करके रक्षा कर दिया। और उसका बाद कुंती देवी का स्तव काल चर्चा होने का विषय है, आज हो नहीं पाएगा क्योंकि समय नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नमामि हरिम परम वांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु विवश पतितान पावन भविष्य भ्यो नम। काल से बहुत जल्दी भागेगा, हम पहला स्कंद शेष करना पड़ेगा ना।